गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? कौन है ये? दिन पूरा होने के बाद बताऊंगा। मुकाबले में जीता कौन? क्या अजय देवगन ने छोड़ दिया नानी को पीछे? दोस्तों 30 मार्च यानी रामनवमी के दिन बॉक्स ऑफिस पर दो जबरदस्त सितारे टकराए उनकी जबरदस्त फिल्मों के साथ। एक है अजय देवगन की भोला तो दूसरी है नानी की दशहरा। वैसे बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई ये साफ साफ बताती है कि किसने किसको टक्कर दी है और कौन सी फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद आई है। पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद फैंस को काफी खुशी हुई। हालांकि ये देखना होगा कि पहले वीकेंड पर फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं। अगर अजय देवगन की भोला के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 से 11 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई 27.75 करोड़ रुपए हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल दशहरा वर्सेस भोला मुकाबला चल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अजय और नानी दोनों की ही फिल्में बराबर की टक्कर दे रही है। भोला हो या फिर दशहरा, दोनों फिल्में इमोशंस और एक्शन से भरपूर है। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी और ये कमाई भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कहा जा रहा है कि वीकेंड खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा सकती है। अब आगे आगे देखते हैं कि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे भोला में नजर आए दीपक डोबरियाल और तब्बू, और वहीं दशहरा में नानी के साथ कीर्ति सुरेश नजर आए। तो आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए। नानी की अपकमिंग फिल्म दासरा का फर्स्ट लुक कैसे अल्लू अर्जुन को दे रहा है टक्कर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों साउथ फिल्म स्टार नानी ने आज अपनी फिल्म दासरा का जबरदस्त फर्स्ट लुक रिलीज किया है। इस फिल्म का पहला लुक जारी करते हुए फिल्म स्टार ने अपने किरदार के नाम का भी उजागर किया है। फिल्म स्टार ने ये फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दासरा का धरनी गुस्सा असली है। शेयर किए गए पोस्टर में नानी का लुक काफी रफ एंड टफ दिख रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में नानी ओपन शर्ट के साथ लुंगी बांधे हुए नजर आ रहे हैं और काफी गुस्से में दिख रहे हैं। साथ ही वो आग का गोला हाथ में पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नानी के इस फर्स्ट लुक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु फिल्म स्टार नानी का ये लुक देखने के बाद फैंस को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की याद आ गई। कई लोग नानी के इस लुक की तुलना अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से करने लगे हैं। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने नानी के इस लुक को देखने के बाद कमेंट करते हुए लिखा, पुष्पा 2.0। फैंस के ये कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं और काफी रिलेट किया जा रहा है नानी और पुष्पा के इस लुक को। आपको बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश स्टारर ये फिल्म दासरा भी गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी कोल माइन की दुनिया के इर्द गिर्द घूमेगी। इस फिल्म के निर्देशक श्रीकांत ओडेला है। फिल्म को श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा के बैनर तले बनाया गया है। पुष्पा की तरह ही इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में है। फिल्म में नानी धासु डायलॉग्स डिलीवरी करते हुए नजर आएंगे और ये एक मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों कैसे लगते हैं आपको साउथ के सुपरस्टार नानी और उनकी फिल्में, और कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।
नानी अपने आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन के पुष्पा और यश की केजीएफ से की जा रही है, लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की केजीएफ से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से भी रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है, जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। नानी अपने आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन के पुष्पा और यश की KGF से की जा रही है, लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से भी रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है, जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। दशहरा वर्सेस भोला मुकाबले में जीता कौन, क्या अजय देवगन ने छोड़ दिया नानी को पीछे? दोस्तों, 30 मार्च यानी रामनवमी के दिन बॉक्स ऑफिस पर दो जबरदस्त सितारे टकराए उनकी जबरदस्त फिल्मों के साथ। एक है अजय देवगन की भोला तो दूसरी है नानी की दशहरा। वैसे बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई ये साफ साफ बताती है कि किसने किसको टक्कर दी है और कौन सी फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद आई है। पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद फैंस को काफी खुशी हुई। हालांकि ये देखना होगा कि पहले वीकेंड पर फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं। अगर अजय देवगन की भोला के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 से 11 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई 27.75 करोड़ रुपए हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल दशहरा वर्सेस भोला मुकाबला चल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अजय और नानी दोनों की ही फिल्में बराबर की टक्कर दे रही है।
होला हो या फिर दशहरा, दोनों फिल्म में इमोशंस और एक्शन से भरपूर है। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी और ये कमाई भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कहा जा रहा है कि वीकेंड खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा सकती है। अब आगे आगे देखते हैं कि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे भोला में नजर आए दीपक डोबरियाल और तब्बू, और वहीं दशहरा में नानी के साथ कीर्ति सुरेश नजर आए। तो आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए। नानी की अपकमिंग फिल्म दासरा का फर्स्ट लुक कैसे अल्लू अर्जुन को दे रहा है टक्कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, साउथ फिल्म स्टार नानी ने आज अपनी फिल्म दासरा का जबरदस्त फर्स्ट लुक रिलीज किया है। इस फिल्म का पहला लुक जारी करते हुए फिल्म स्टार ने अपने किरदार के नाम का भी उजागर किया है। फिल्म स्टार ने ये फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दासरा का धरनी गुस्सा असली है। शेयर किए गए पोस्टर में नानी का लुक काफी रफ एंड टफ दिख रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में नानी ओपन शर्ट के साथ लुंगी बांधे हुए नजर आ रहे हैं और काफी गुस्से में दिख रहे हैं। साथ ही वो आग का गोला हाथ में पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नानी के इस फर्स्ट लुक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु फिल्म स्टार नानी का ये लुक देखने के बाद फैंस को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की याद आ गई। कई लोग नानी के इस लुक की तुलना अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से करने लगे हैं। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने नानी के इस लुक को देखने के बाद कमेंट करते हुए लिखा, पुष्पा 2.0। फैंस के ये कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं और काफी रिलेट किया जा रहा है नानी और पुष्पा के इस लुक को। आपको बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश स्टारर ये फिल्म दासरा भी गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी कोल माइन की दुनिया के इर्द गिर्द घूमेगी। इस फिल्म के निर्देशक श्रीकांत ओडेला है। फिल्म को श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा के बैनर तले बनाया गया है। पुष्पा की तरह ही इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में है। फिल्म में नानी धासु डायलॉग्स डिलीवरी करते हुए नजर आएंगे और ये एक मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको साउथ के सुपरस्टार नानी और उनकी फिल्में, और कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। नानी अपने आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से की जा रही है। लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसीलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से वे रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है, जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नानी अपने आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है।
हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की केजीएफ से की जा रही है। लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की केजीएफ से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसीलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से भी रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धड़नी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है, जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। दशहरा वर्सेस भोला मुकाबले में जीता कौन, क्या अजय देवगन ने छोड़ दिया नानी को पीछे? दोस्तों, 30 मार्च यानी रामनवमी के दिन बॉक्स ऑफिस पर दो जबरदस्त सितारे टकराए उनकी जबरदस्त फिल्मों के साथ। एक है अजय देवगन की भोला तो दूसरी है नानी की दशहरा। वैसे बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई ये साफ साफ बताती है कि किसने किसको टक्कर दी है और कौन सी फिल्म ऑडियंस को ज्यादा पसंद आई है। पहले दो दिनों में दशहरा ने अच्छी कमाई कर ली है, जबकि शनिवार को फिल्म की कमाई में थोड़ी लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद फैंस को काफी खुशी हुई। हालांकि ये देखना होगा कि पहले वीकेंड पर फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं। अगर अजय देवगन की भोला के तीसरे दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10.50 से 11 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद फिल्म के तीन दिन की कमाई 27.75 करोड़ रुपए हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल दशहरा वर्सेस भोला मुकाबला चल रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अजय और नानी दोनों की ही फिल्में बराबर की टक्कर दे रही है। भोला हो या फिर दशहरा, दोनों फिल्में इमोशंस और एक्शन से भरपूर है। दशहरा ने तीसरे दिन कुल 13 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि दूसरे दिन से 1 करोड़ ज्यादा है। दरअसल फिल्म ने दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई की थी और ये कमाई भोला से कई ज्यादा थी। शनिवार के कलेक्शन के बाद दशहरा के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 45.98 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कहा जा रहा है कि वीकेंड खत्म होने तक नानी की फिल्म 50 करोड़ कमा सकती है। अब आगे आगे देखते हैं कि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। वैसे भोला में नजर आए दीपक डोबरियाल और तब्बू, और वहीं दशहरा में नानी के साथ कीर्ति सुरेश नजर आए। तो आपको कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए। नानी की अपकमिंग फिल्म दशहरा का फर्स्ट लुक कैसे अल्लू अर्जुन को दे रहा है टक्कर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, साउथ फिल्म स्टार नानी ने आज अपनी फिल्म दशहरा का जबरदस्त फर्स्ट लुक रिलीज किया है। इस फिल्म का पहला लुक जारी करते हुए फिल्म स्टार ने अपने किरदार के नाम का भी उजागर किया है। फिल्म स्टार ने ये फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दशहरा का धड़नी गुस्सा असली है। शेयर किए गए पोस्टर में नानी का लुक काफी रफ एंड टफ दिख रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में नानी ओपन शर्ट के साथ लुंगी बांधे हुए नजर आ रहे हैं और काफी गुस्से में दिख रहे हैं। साथ ही वो आग का गोला हाथ में पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नानी के इस फर्स्ट लुक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु फिल्म स्टार नानी का ये लुक
देखने के बाद फैंस को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की याद आ गई। कई लोग नानी के इस लुक की तुलना अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा से करने लगे हैं। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने नानी के इस लुक को देखने के बाद कमेंट करते हुए लिखा, पुष्पा 2.0। फैंस के ये कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं और काफी रिलेट किया जा रहा है नानी और पुष्पा के इस लुक को। आपको बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश स्टारर ये फिल्म दासरा भी गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी कोल माइन की दुनिया के इर्द गिर्द घूमेगी। इस फिल्म के निर्देशक श्रीकांत ओडेला है। फिल्म को श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा के बैनर तले बनाया गया है। पुष्पा की तरह ही इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में है। फिल्म में नानी धासु डायलॉग्स डिलीवरी करते हुए नजर आएंगे और ये एक मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको साउथ के सुपरस्टार नानी और उनकी फिल्में, और कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। नानी अपनी आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से की जा रही है। लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से वे रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है। जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। नानी अपनी आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से की जा रही है। लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से वे रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है। जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। कि किस तरह सबको सिर्फ पैसों की पड़ी है, लोगों की जान की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। पुष्पा कहता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि यहाँ बैठे हर व्यक्ति के लिए पैसा बहुत मायने रखता है, पर ये नहीं जानता था कि कुछ लोगों के लिए वो उनके परिवार और उनकी जान से भी बढ़कर है। पुष्पा कहता है कि लकड़ियों की सप्लाई अब हम खुद ही करेंगे और इस काम को करने में ना खुद हमारा पार्टनर मुर्गन ही हमारी मदद करेगा। आखिर क्या है पुष्पा का आगे का प्लान, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। किस फोटो को सुकुमार ने किया शेयर? क्या पुष्पा 2 का फर्स्ट ग्लिम्स हो गया है आउट? और आखिर ये फोटो किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा द रूल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इसी बेसब्री को देखते हुए अब मेकर्स ने इस फिल्म के सेट से इस फिल्म की पहली झलक साझा की है। इसको फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। इस पोस्ट पर फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए इस पर लिखा है, इसे देखिए ये तो शुरुआत है, और इसी के साथ फायर इमोजीज भी लगाई हैं उसके साथ। और आपको बता दें कि ये फोटोज फिल्म के सेट से हैं। इस फोटो में सुकुमार भी नजर आ रहे हैं और वो इन लोगों को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उनके सामने कैमरा और लाइट्स भी लगी हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि पुष्पा द राइज के बाद पुष्पा द रूल का क्रेज लोगों में सर चढ़ के बोल रहा है और इसका बहुत ही ज्यादा हाइप बना हुआ है। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन या फिर इस फिल्म के एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को लेकर अगर कोई भी न्यूज आती है तो इसके फैंस, इस फिल्म के फैंस बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है और काफी अच्छे तरीके से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। और ऐसा भी दावा किया गया था इस फिल्म में कि इस फिल्म में हमें अर्जुन कपूर देखने को मिल सकते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन बाद में इस दावे को झुठला दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में हमें विलन के तौर पर फहाद फाजिल ही नजर आएंगे। पुष्पा द राइज ने 2021 में टॉलीवुड के साथ साथ हिंदी पट्टी पर भी बहुत ही अच्छी कमाई की थी। इसने 100 करोड़ का बिजनेस सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री में किया था और इसी के साथ अल्लू अर्जुन को एक पैन इंडिया स्टार बना दिया था। पुष्पा 2 की कहानी की बात करें तो मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बार ऐसा दिखाया जाएगा कि फिल्म का विलन यानी कि फहाद फाजिल पुष्पा की बीवी यानी कि श्रीवल्ली को मार देगा और अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। उसके बाद वो क्या स्टेप्स लेगा, इसी पर पूरी स्टोरी बेस्ड होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा पुष्पा का अगला कदम? और आप इस कहानी के लिए, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। पुष्पा और मुर्गन के बीच छिड़ी जंग, पुष्पा ने लिया बड़ा फैसला। क्यों हुई माल की वापसी, पुष्पा हुआ घायल? फिल्म में अल्लू अर्जुन पुष्पा की भूमिका निभाएंगे और रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी की भूमिका निभाते हुए श्रीवल्ली के किरदार में होंगी। निगेटिव रोल्स में मीम गोपी एज चेन्नई मुर्गन, फहद फासिल भंवर सिंह शेखावत, एक आईपीएस ऑफिसर धनंजय एज जॉली और सुनील वर्मा एज मंगलम श्रीनु निगेटिव रोल्स में दिखाई देंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई है। दर्शकों को इंतजार है पुष्पा 2 की रिलीज का, जो जल्द सिनेमा में एक बार फिर धूम मचाएगी। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह मुर्गन के गैर धंधे के राज खुलने पर पुष्पा उसके साथ डील तोड़ने का फैसला करता है और माल की सप्लाई को रोक देता है। इसके आगे हम देखेंगे कि पुष्पा सारे डीलर्स को एक साथ इकट्ठा करता है और कहता है कि जो फैसला मैंने लिया है वो शायद आप सबको सही ना लगे और आप सब मेरे खिलाफ हो जाएं, पर सिंडिकेट का हेड होने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरे इस फैसले को आप सबका सहयोग मिले। ऐसा कहकर पुष्पा बताता है कि मुर्गन एक ऐसे गैर धंधे का मालिक है जो लोगों को बिना बताए उनकी जान ले लेता है। लकड़ियों के बदले मिले आधे पैसों को वो इसी धंधे पे खर्च करता है और डबल कमाई करता है। पुष्पा के ऐसा कहने पर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि सर, ऐसे ना जाने कितने गैर कानूनी धंधे चलते हैं यहाँ पर, उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी कमाई से मतलब है।
उसके ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं, पर उन सब की हंसी उनके चेहरे से एकदम से गायब हो जाती है जब पुष्पा कहता है कि जब तुम या तुम्हारा परिवार ही नहीं होगा तो क्या करोगे इन पैसों का। पुष्पा कहता है कि जिन दवाइयों को हम इस उम्मीद से खाते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगी, क्या हो अगर वही दवाई तुम्हारी मौत का कारण बन जाए। इस बात को सुनकर सभी चौकन्ना होकर पुष्पा को सुनने लगते हैं। पुष्पा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबके बीच में आके कहता है कि गांव में जो दवाइयां सप्लाई होती हैं, वो मुर्गन के धंधे में बनी हुई नकली दवाइयां हैं। मुर्गन लकड़ियों से मिले आधे पैसों को इन दवाइयों को बनाने और गैर कानूनी तरीके से सप्लाई करने में खर्च करता है और मासूमों की जिंदगी से खेलकर करोड़ों कमाता है। पुष्पा की ये बातें सुनकर सब जितना हैरान होते हैं उतना ही उनको गुस्सा भी आ रहा होता है और इस वक्त सबके बीच यह फैसला होता है कि अब से वो मुर्गन को लकड़ियों की सप्लाई नहीं करेंगे और साथ ही इस घिनौने काम के लिए वो मुर्गन को सबक भी सिखाएंगे। माल की सप्लाई न आने पर मुर्गन पुष्पा को कॉल करता है और पुष्पा कहता है कि माल की सप्लाई में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, इसलिए उसे खुद यहां आके इस मामले को देखना होगा। पुष्पा बड़ी ही चालाकी से मुर्गन को अपने इलाके में बुला लेता है, पर आखिर क्या है पुष्पा और सारे वर्कर्स का प्लान, जानने के लिए जुड़े रहिए। क्या दक्षायणी और सिखावत मिलाएंगे हाथ? क्या श्रीवल्ली का जीना होगा मुश्किल? अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर पुष्पा राज बनकर हर दर्शक इन दिनों खुद को फ्लावर समझा क्या फायर है मैं कह रहा है। इस फिल्म की कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि इसके हर कैरेक्टर के कई रूप दिखने को मिलने वाले हैं। पुष्पा द राइज के रिलीज होते ही सबको मालूम हो गया था कि पुष्पा की कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो जॉली रेड्डी जिंदा है और वो इस वक्त बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बस एक मौके की तलाश है उसे। फिर आते हैं हमारे फेमस एसपी सिखावत जी, जिन्होंने पुष्पा को डराने की कोशिश की और ऑलमोस्ट कामयाब भी हुए, लेकिन एंड में पुष्पा के हाथों अपनी इज्जत का फालूदा बनवाकर अपने आप को अपमानित करवा बैठे। तो अब वो भी तो बदला लेंगे और सिखावत मौके की तलाश करने वालों में से नहीं है बल्कि मौके बनाने वालों में से है। पुष्पा 2 में सिखावत का सातवें अवतार सारी हदें पार करेगा ये हमें पता है, लेकिन पुष्पा के दुश्मनों की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि श्रीनो की पत्नी दक्षायणी जी ने भी अपना विलन अवतार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से दक्षायणी ने बिना पलके झपकाए अपने ही पति का गला काटा, इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर बदले की भावना नहीं बल्कि ज्वालामुखी भड़क रही है। लेडी विलन का ऐसा साथी रूप सिनेमा स्क्रीन पर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन दक्षायणी का रोल करने वाली एक्ट्रेस की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, जिन्होंने पुष्पा में स्पॉटलाइट में ना होते हुए भी अपने किरदार को जिंदा रखा। और क्या आप जानते हैं दक्षायणी जैसी वाइल्ड और कनिंग लड़की का रोल करने वाली असल में कौन है? फिल्म में दक्षायणी का किरदार साउथ की मशहूर एक्ट्रेस अनसुईया भारद्वाज ने निभाया है। वह फिल्म में जितनी डरावनी है असल जिंदगी में वह सीरियस आउटस्पोकन और बोल्ड है। अनसुईया को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए 19 साल हो गए हैं। वह न केवल अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि एक एंकर और होस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। टीवी पर एंकरिंग के अलावा अनसुईया ने फिल्मों में डबिंग और आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। कॉमेडी शो जबरदस्त में अनसुईया की होस्टिंग को काफी सराहा गया था। पुष्पा अनसुईया के करियर की 13वीं फिल्म है, जबकि उसके बाद वह चिरंजीवी और रामचरण के साथ फिल्म आचार्य में भी नजर आएंगी। और फिर पुष्पा 2 में भी अनसुईया हमें दक्षायणी के रूप में नजर आएंगी। वैसे पुष्पा 2 में पुष्पा के खिलाफ खड़े होंगे कई दुश्मन। श्रीनु पहले से ही पुष्पा का दुश्मन था, लेकिन अब उसकी वजह से अपनी पत्नी के हाथों मरते मरते बचने के बाद ये दुश्मनी की भावना और बढ़ गई होगी।
साथ ही शीनू की पत्नी अपने भाई की मौत का बदला किसी भी हालत में लेगी, ये तो पक्का है। इस वक्त पुष्पा के जो दो दमदार दुश्मन निकल कर आते हैं वो हैं दक्षायनी और एसपी सिखावत। हो सकता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए और दोनों सिखावत और दक्षायनी मिलकर पुष्पा से बदला लें। जब दो दमदार विलन एक साथ खड़ी होंगी तो पुष्पा कैसे करेगा उनका सामना? और चलो मान लें कि पुष्पा दोनों को संभाल भी लेगा, क्योंकि भाई हमारे हीरो ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। लेकिन 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 अगर बात आई श्रीवल्ली यानी कि पुष्पा के प्यार पर तो क्या होगा? क्या पुष्पा जो कभी नहीं झुका वो श्रीवल्ली के लिए झुकेगा और सारे दुश्मनों से लड़ पाएगा? क्योंकि इस सबसे जिसे सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है वो पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली होगी। और सोचिए, जो औरत अपने भाई का कत्ल होने पर अपने पति पर जानलेवा हमला कर सकती है, वो बदले की आग में असली कातिल के इकलौते प्यार के साथ क्या क्या नहीं कर सकती। तो पुष्पा द रूल की लड़ाई काफी इंटेंस होने वाली है। इस बार जितना दमदार हीरो है उतने ही दमदार विलेंस भी है। तो कैसे करेगा पुष्पा सबका सामना और कैसे बचाएगा श्रीवल्ली को इस जानलेवा जंग से, ये सब जानने के लिए हमें थोड़े इंतजार की जरूरत है और थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। चलिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ब्रिस्मा का जन्म एम्स्टरडम में एक डच एंटरप्रेन्योर एंटोन ब्रिस्मा और ब्रिटिश हाउसवाइफ के घर हुआ था। क्या उसके पिता डच में सोडा ड्रिंक मैन्युफैक्चरर थे? जब वो हाई स्कूल में था तब उसने हैश या हशीश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो उसे बेचने भी लगा और इसी के चलते 16 साल की उम्र में 1970 में उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद 1974 में उसने ड्रग ट्रेड शुरू करने का फैसला लिया और थी उसकी पार्टनर बनी। अब ये थी कौन है? तो थी डच मोबस्टर और सिंगापुरियन हेरोइन स्मगलर की बेटी थी। क्लास ड्रग्स की परचेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन देखा करता था, वहीं थी फाइनेंस देखा करती थी। 1976 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया लेकिन वो 1977 में छूट गया और उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 3 से 4 बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट किया था और उसके बाद उसने अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और कहां कहां नहीं फैलाया। और देखते ही देखते, जी हाँ, देखते ही देखते वो नीदरलैंड का कल्ट हीरो बन गया था। 1979 में जब वो हैश की एक बड़ी सप्लाई पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करवा रहा था तब एक बार फिर से उसे पकड़ लिया गया और 1982 में उसे रिलीज कर दिया गया। 1983 में उसके और उसी के गैंग के बीच एक बहुत बड़ा शूट आउट हुआ क्योंकि जब वो जेल में था तब उसके बिजनेस पर उसी के लोगों की नजरें पड़ी थी और इसी वजह से उसने कई लोगों को मार दिया और उसे 5 सालों की सजा सुनाई गई लेकिन 3 सालों में ही वो रिहा कर दिया गया। साल 1987 में जब वो रिलीज हुआ तब उसने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया और एक नई शुरुआत की। उसने होटल्स, कैसीनोज, गेमिंग, ब्रदर्स जैसे कई सारे लेगिटिमेट बिजनेस के फॉर्म में ओपन किए और उनकी आड़ में अपना हैश स्मगलिंग का बिजनेस करता रहा जिसमें थी उसकी पार्टनर रही थी। 1980s के एंड तक क्लास यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडर बन गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त रोज के 5 लाख US डॉलर जनरेट कर रही थी। 27 जून 1991 के दिन क्लास मैरिटन हुगलैंड जिसे ऑर्गेनाइज क्राइम के पुलिस ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया गया था उसके साथ एक बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उसी के चलते हुगलैंड ने उसे सुबह के 4 बजे एम्स्टरडम हिल्टन होटल के सामने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। उसकी कोई विल नहीं थी और उसके भाई बहनों ने उसकी प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया इसलिए उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसकी माँ के पास गई तो बाकी की एम्स्टरडम की टैक्स एंड कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन के पास चली गई। ऐसे ही एक हाई लेवल की स्मगलर की स्टोरी पर ही पुष्पा टू की स्टोरी बेस्ड होने वाली है। किंग पिन मलिक। 2021 के दिसंबर में ईडी ने लाल चंदन की तस्करी से जुड़े एक मामले में किंगपिन बादशाह मलिक को गिरफ्तार किया था जो इंडिया के एक बहुत बड़ा स्मगलर है।
बादशाह मलिक से ईडी की टीम ने 2015 में DRI में दर्ज लाल चंदन की तस्करी के मामले में उससे पूछताछ की थी और इस केस में मलिक एक अहम किस्सा था। ईडी ने इस मामले में पूरे मुंबई में कई जगहों पर तलाशी भी ली थी और उसके बाद मलिक और उसके साथ विजय पुजारी की तलाशी भी ली गई थी। 2015 में DRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट का खुलासा किया था जिसमें लाल चंदन जैसी दुर्लभ और कीमती लकड़ियों को गुड्स कंटेनर में इम्पोर्ट करके देश के बाहर तस्करी की जा रही थी। मुंबई की एक शिपिंग कंपनी के जरिए 700 मेट्रिक टन से भी ज्यादा लाल चंदन की तस्करी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में की जा रही थी। कंटेनरों को DRI टीम ने नावा शावा इम्पोर्ट टर्मिनल पर रोका और आगे की जांच के बाद वो मलिक, हेगड़े और पुजारी तक पहुंचे। कहा जाता है कि लाल चंदन की तस्करी में बादशाह मलिक एक बहुत बड़ा नाम है। वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर लाल चंदन को सागौन की लकड़ी बताकर गलत तरीके से बेचा करता था और वो रॉयल सीमा के जंगलों से लकड़ी की तस्करी करता है। साथ ही ईडी को मलिक के घर से एक डमी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिस कंपनी के नाम पर वो एक नॉर्मल बिजनेस करता था और उसकी आड़ में लाल चंदन की तस्करी का काला धंधा करता था। और ईडी का मानना है कि इस केस में कई बड़े पॉलिटिशियंस भी जुड़े हैं जो मलिक की मदद करते हैं। लाल चंदन की चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका में काफी कीमत है और ये चंदन सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। काले बाजार में एक टन लाल चंदन की कीमत 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच की होती है और ईडी का मानना है कि मलिक अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मलिक ने लाल चंदन को जापान सप्लाई किया है क्योंकि लाल चंदन एग्जॉटिक फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है और जापान में सबसे ज्यादा लाल चंदन की डिमांड है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इंटरनेशनल ड्रग कार्टल का नाम भी शामिल है क्योंकि वही है जो अलग जगहों से सुरक्षित लाल चंदन को बचाकर असली मालिक तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल तो बादशाह मलिक ईडी के कब्जे में है और उसे बहुत जल्द PMLL कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले एजेंसी उसकी कस्टडियल रिमांड चाहती है ताकि वो इस मामले की तय तक पहुंच सके। ये केस तो बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा लेकिन इसकी कहानी से मिलती जुलती ही पुष्पा 2 की कहानी हो सकती है। तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपका इस मामले में क्या कहना है। कैसा रहा पुष्पा का सफर? साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज को रिलीज हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें जरा भी शक नहीं कि अल्लू अर्जुन स्टारर ये मूवी हाल के दिनों में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। पुष्पा के राउडी अवतार से लेकर उनके हाव भाव और तौर तरीके तक पुष्पा ने मूवी में जो कुछ भी किया फैंस उसे कॉपी करते दिखे। बच्चों तक पर इस मूवी का खूब क्रेज रहा और अब जब मूवी को 1 साल पूरा हो गया है तो कहना गलत नहीं होगा कि निर्माताओं के लिए ये एक शानदार सफर रहा। पुष्पा द राइज के 1 साल पूरे होने के साथ मूवी ने एक विरासत बनाई है जो आने वाले समय में और बढ़ेगी। ऐसे में पुष्पा के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर हर एक चीज को उजागर करते हुए एक पोस्ट साझा किया जिसने इसे दर्शकों के बीच एक बड़ी हिट बना दी। खास तौर पर इसका सफर, वो कहती है ना कि जंगल में कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं लगता। ठीक उसी तरह ये मूवी भी एक नेशनल सनसनी बन गई जिसने हर एक स्टार कास्ट को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक दिया। इसके साथ कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर पुष्पा द राइज के 1 साल आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज के रूप में स्क्रीन पर आग लगाने के 1 साल पूरे हुए। आज पुष्पा द राइज ग्लोबल लेवल पर सिनेमा घरों में छाई हुई है। हाल ही में मूवी का एक प्रीमियर 8 दिसंबर को रूसी बाजार में हुआ और दर्शकों से इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली। ऐसे में जहां पुष्पा द राइज का क्रेज पूरे देश में छा रहा है, वहीं फैंस मूवी से जुड़ी हर एक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि टीम पुष्पा द रूल के लिए अभी कमर कस रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक लाल चंदन की स्मगलिंग ट्रेन से करने वाली गैंग के एक मेंबर को रेलवे पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे दिल्ली रेलवे पुलिस रोजाना की तरह आसपास नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग कर रही थी, तब एक पुलिस टीम ने गेट नंबर 1 पहाड़गंज की तरफ एक आदमी को नोटिस किया। उसने नीले रंग का ट्रॉली बैग ले रखा था लेकिन
जिस तरह से वो बार बार वहां चक्कर लगा रहा था वो पुलिस को काफी स्पीशियस लगा। पुलिस ने उससे पूछताछ की लेकिन वो बात को टालमटोल करता रहा। पुलिस ने उससे उसके बैग के बारे में पूछा तो वो बात को घुमाने लगा। पुलिस को पहले थोड़ा शक था जो अब पक्का हो गया था। उनके बैग की जांच की गई और एक लाल रंग की लकड़ी का लट्ठा मिला। बरामद लकड़ी की पहचान के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को बुलाया गया जिन्होंने बरामद लकड़ी की पहचान की और बताया कि वो लाल चंदन की लकड़ी है। वो चंदन की लकड़ी को विशाखापट्टनम से दिल्ली लाकर अपनी बाकी की गैंग के साथ इसे दिल्ली में बेचने के लिए जा रहा था। पूछताछ में आरिफ ने खुलासा किया कि वो अपने साथियों के साथ विशाखापट्टनम से दिल्ली में लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा था और दिल्ली में चंदन बेचने वाले एक गैंग को सप्लाई कर रहा था। उन्होंने लाल चंदन की लकड़ी को ट्रॉली बैग के अंदर छुपाकर ही अब तक यहां स्मगलिंग की है और इस बार उनके लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग के लिए एपी एक्सप्रेस यानी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पकड़ी थी। पूरी गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और बाकी के राज्यों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने और इस रैकेट में शामिल सब लोगों को पकड़ने के लिए टीम्स बनाई गई। लाल चंदन रूबी रेड एक हाईली रेगुलेटेड लकड़ी है जो लाल रंग की होती है और जिसमें मेडिकल गुण भी होते हैं जिसकी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल बाजारों में लाल लकड़ी की भारी मांग है। ये पेड़ सिर्फ आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर कुरनूल चित्तूर तमिलनाडु की सीमा से लगे कडप्पा में फैली शेषाचलम पहाड़ियों में उगते हैं। अंडरग्राउंड मार्केट में इसकी भारी मांग के कारण लाल चंदन के पेड़ों की ज्यादातर स्मगलिंग की जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। स्मगलिंग के प्रोसेस में स्मगलर्स पहले तो पेड़ों के बारे में पता लगाने और उन्हें काटने के लिए लेबर हायर करते हैं। उन्हें मार्केट प्राइस के बेसिस पर 20 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की बीच पेमेंट मिलती है। इसीलिए जहां स्मगलर हर एक टन में लाखों कमाते हैं और आंध्र प्रदेश से चित्तूर कटप्पा नेल्लोर और कुरनूल जिलों के रूरल एरियाज में रहने वाले मजदूरों को पेड़ों के काटने के लिए प्रति टन 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की पेमेंट की जाती है। फिर कटी हुई लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने से पहले खेतों में छिपा दिया जाता है। लोकल पुलिस की मिली भगत से आंध्र और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर्स से लाल सेंडर लॉन्ग की स्मगलिंग की जाती है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा स्मगलर्स कम मात्रा में लाल चंदन की स्मगलिंग करने के लिए कार्स का भी इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने गोदाम या खेतों में जमा करते हैं। कांचीपुरम जिले के औरगदम से लेकर चेन्नई के रोयापुरम तक फैला इंडस्ट्रियल एरिया स्मगलिंग नेटवर्क के लिए बेस्ट पॉसिबल कवर है। इन एरियाज में बड़े कंटेनर्स यार्ड्स और गोदामों का यूज स्मगलर लाल चंदन को स्टोर और लोड करने के लिए किया जाता है। स्मगलर्स के कंटेनर मूवमेंट मॉनिटरिंग में परफेक्ट सिस्टम के लूप होल्स को मेंटेन करने के रास्ते खोज रखे हैं। स्मगलर्स फैक्ट्री स्टाफिंग का फायदा उठाते हैं जहां एक्सपोर्ट के लिए कंटेनरों को कस्टम ऑफिशियल्स लोडिंग सोर्सेज के लिए वेरीफाई करते हैं और फिर उसे सील कर दिया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एक बार जब कंटेनर लोग को सील कर दिया जाता है तो कंटेनर को उसके सोर्स से चेन्नई पोर्ट तक ले जाया जाता है जो अक्सर शहर से काफी बाहरी इलाके में होता है और स्मगलर्स इस दूरी में हेरफेर करते हैं। कंटेनर को रास्ते में एक बड़े कंटेनर यार्ड में मोड़ देते हैं। इसके बाद वो सील बंद ताले को छेड़े बिना कंटेनर को लॉक रोड और दोनों सिरों पर काट देते हैं और कंटेनर को लाल चंदन से भरने के लिए खोलते हैं। लकड़ी ओरिजिनल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के नीचे छिपी होती है और कंटेनर लॉक रोड को गड़बड़ी के ट्रेसेस को दूर करने के लिए फिर से वेल्ड करके पेंट कर दिया जाता है। कंटेनर फिर पोर्ट के लिए आगे बढ़ता है। सैंडलवुड स्मगलिंग के प्रोसेस को कुछ पार्ट तो हम पुष्पा 2 में देख ही चुके हैं और अब पुष्पा 2 में जाहिर है कि पुष्पा को और नई स्ट्रेटेजीज के साथ आना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। क्लास ब्रिम्समा का जन्म एम्स्टर्डम में एक डच एंटरप्रेन्योर एंटोन ब्रिम्समा और ब्रिटिश हाउसवाइफ ग्वेंडोलिन थेरेसा मैरी केली के घर हुआ था। क्लास के पिता डच सोडा ड्रिंक मैन्युफैक्चरर थे। जब वो हाई स्कूल में था तब उसने हेश और हशीश का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसके बाद वो उसे बेचने भी लगा और इसी के चलते 16 साल की उम्र में 1970 में उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद 1974 में उसे ड्रग ट्रेड शुरू करने का फैसला किया और थिया मोयर उसकी पार्टनर बनी। थिया डच मॉबस्टर और सिंगापुरियन हीरोइन स्मगलर की बेटी थी। क्लास ड्रग्स की परचेज ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन देखता था और थिया फाइनेंस देखती थी। 1976 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया लेकिन वो 1977 में
छूट गया और उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 3-4 बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट किया था और उसके बाद उसने अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और स्कैंडिनेविया तक फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो नेदरलैंड्स का कल्ट हीरो बन गया। 1979 में जब वो हेश की एक बड़ी सप्लाई पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट करवा रहा था तब एक बार फिर उसे पकड़ा गया और 1982 में उसे रिलीज कर दिया गया। 1983 में उसकी और उसी के गैंग के बीच एक बहुत बड़ा शूटआउट हुआ क्योंकि जब वो जेल में था ना तब उसके बिजनेस पर उसी के लोगों की नजरें पड़ी थी और इसी वजह से उसने कई लोगों को मार दिया और उसे 5 सालों की सजा सुनाई गई, लेकिन 3 सालों में ही रिहा कर दिया गया। साल 1987 में जब वो रिलीज हुआ तब उसने अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया और एक नई शुरुआत की। उसने होटल, कैसीनोज, गेमिंग, ब्रॉथल जैसे कई सारे लेजिटिमेट बिजनेस की फॉर्म में ओपन किए और उनकी आड़ में अपना हेश स्मगलिंग का बिजनेस करता रहा जिसमें थिया उसकी पार्टनर रही। 1980s के एंड तक क्लास यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडर बन गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त रोज के 5 लाख $5 जनरेट कर रही थी। ऐसे ही एक हेड्स लेवल के स्मगलर की स्टोरी पर ही पुष्पा 2 की स्टोरी बेस्ड होने वाली है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें बॉलीगार्ड स्टूडियोज को। फ्रैंक का व्यवहार उस गैंगस्टर जॉनसन को ना बहुत पसंद था, लिहाजा उसी ने तो फ्रैंक को जरायम की दुनिया के दाव पेच और पैत्रों से रूबरू करवाया था। एक रोज आपसी झगड़े में ना जॉनसन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन तब तक जो फ्रैंक है वो जुर्म की दुनिया के दाव पेचों को अच्छी तरह से समझ चुका था, लिहाजा जॉनसन के मारे जाने के फौरन बाद ही उसने गैंग के मुखिया की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह से उतर गया और उसकी मुलाकात उस दौर के बड़े बड़े उस्तादों और जरायम की दुनिया के बेताज बादशाहों से होने लगी। देखते ही देखते फ्रैंक ल्यूकस भी अमेरिका के बड़े माफियाओं की लिस्ट में ऐड हो गया। इसी बीच वो नशे की सौदेबाजी में भी हाथ आजमाने लगा और न्यूयॉर्क की गलियों में अपना धंधा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके कदम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे ना कि अब ल्यूकस को उन बिचौलियों से दिक्कत होने लगी थी जो इलाके में ड्रग्स की सप्लाई करते थे, लिहाजा फ्रैंक ने एक नई तरकीब निकाली और उन बिचौलियों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही ड्रग्स की सप्लाई अपने हाथ में लेने के लिए मैदान में उतर गया। इसके पीछे उसका इरादा यही था कि बिचौलियों की बेवजह की कमीशन खोरी को तो वो बचा ही लेगा, साथ ही उनके रुतबे को भी खत्म कर देगा। उसने एक एक करके तमाम बिचौलियों का काम तमाम करवाना शुरू कर दिया। उसके इस काम में सबसे ज्यादा मदद की बेईमान पुलिस वाले ने जो फ्रैंक ल्यूकस का अच्छा दोस्त भी था और साथ ही घुसखोर भी। देखते ही देखते न्यूयॉर्क में अब कदम कदम पर ना नशे के सौदागरों की लाशें मिलनी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस के लिए किसी हद तक ना सिरदर्द कम होने जैसी बात थी, लेकिन पुलिस को लगने लगा था कि असल में इसके पीछे ना बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है। ये वही दौर था जब अमेरिका की पुलिस को फ्रैंक ल्यूकस के इरादों की कोई भी भनक नहीं लग रही थी और ना ही ल्यूकस की कोई तस्वीर थी उनके रिकॉर्ड में मौजूद जिससे उस पर किसी पुलिस अधिकारी का शक भी नहीं जा रहा था। रफ्ता रफ्ता फ्रैंक ल्यूकस ने न्यूयॉर्क में ड्रग्स का सारा धंधा अपने हाथों में ले लिया और न्यूयॉर्क के साथ साथ उसके आसपास के तमाम शहरों में भी जुर्म की दुनिया में फ्रैंक ल्यूकस के नाम का सिक्का चलने लगा। हम जानते हैं आपको भी ल्यूकस की कहानी कुछ कुछ ना पुष्पा से मिलती दिख रही होगी, पर इस कहानी में आएगा एक ऐसा मोड़ जो पुष्पा 2 की कहानी में भी देखने को मिल सकता है। अब वो मोड़ क्या होगा इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मैं पूर्णिमा लेती हूँ अब आप सभी से अलविदा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। फ्रैंक का व्यवहार उस गैंगस्टर जॉनसन को बहुत पसंद था, लिहाजा उसी ने फ्रैंक को क्राइम की दुनिया के दांव पेच और पैत्रों से रूबरू करवाया था। एक रोज आपसी झगड़े में जॉनसन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन तब तक फ्रैंक जुर्म की दुनिया के दांव पेच को अच्छी तरीके से समझ चुका था, लिहाजा जॉनसन के मारे जाने के फौरन बाद ही उसने गैंग के मुखिया की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया। दोस्तों अब वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरीके से उतर चुका था और उसकी मुलाकात उस दौर के बड़े बड़े उस्तादों
और क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाहों से होने लगी थी। और देखते ही देखते फ्रैंक लूकस भी अमेरिका के बड़े माफिया की फहरिस्त का हिस्सा बन गया। इसी बीच उसने नशे की सौदेबाजी में हाथ आजमाने का सोचा और न्यूयॉर्क की गलियों में अपना धंधा तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके कदम इतनी तेजी से आगे बढ़े कि अब लूकस को उन बिचौलियों से भी दिक्कत होने लगी जो कि उस इलाके में ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। लिहाजा फ्रैंक ने एक नई तरकीब निकाली और उन बिचौलियों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही ड्रग सप्लाई अपने हाथ में लेने के लिए मैदान में उतर गया। दोस्तों, इसके पीछे उसका इरादा यही था कि बिचौलियों की बेवजह की कमीशन खोरी को तो वो बचा ही लेगा और साथ ही साथ उनके रुतबे को भी खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लिहाजा उसने एक एक करके तमाम बिचौलियों का काम तमाम करवाना शुरू कर दिया। उसके इस काम में सबसे ज्यादा मदद की उसकी एक बेईमान पुलिस वाले ने जो कि फ्रैंक लूकस का अच्छा दोस्त भी था और साथ ही साथ घूसखोर भी था। देखते ही देखते न्यूयॉर्क में अब कदम कदम पर नशे के सौदेकारों की लाशें मिलने शुरू हो गई। हालांकि पुलिस के लिए किसी हद तक ये सिरदर्द कम होने जैसी बात थी, लेकिन पुलिस को लगने लगा कि असल में इसके पीछे बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है। ये वही दौर था जब अमेरिका की पुलिस को फ्रैंक लूकस के इरादों का कोई भी भनक नहीं था और ना ही लूकस की कोई तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद थी जिससे कि उस पर किसी पुलिस अधिकारी का शक तक जा सके। उन पर शक भी नहीं कर पा रहे थे। रास्ता रास्ता फ्रैंक लूकस ने न्यूयॉर्क में ड्रग्स का सारा धंधा अपने हाथ में ले लिया और न्यूयॉर्क के साथ साथ उसके आसपास के तमाम शहरों में जुर्म की दुनिया में फ्रैंक लूकस के नाम का सिक्का चलने लगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको लूकस की ये कहानी कुछ कुछ पुष्पा से मिलती हुई दिख रही होगी, पर इस कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ भी आएगा जो कि पुष्पा 2 की कहानी में देखने को मिल सकता है। कौन है किंग पिन मलिक? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्पीहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 के बारे में। 2021 के दिसंबर में ईडी ने लाल चंदन की तस्करी से जुड़े एक मामले में किंग पिन बादशाह मलिक को गिरफ्तार किया था जो इंडिया के एक बहुत बड़ा स्मगलर है। बादशाह मलिक से ईडी की टीम ने 2015 में DRI में दर्ज लाल चंदन की तस्करी के मामले में उससे पूछताछ की थी और इस केस में मलिक एक अहम किस्सा था। ईडी ने इस मामले में पूरे मुंबई में कई जगहों पर तलाशी भी ली थी और उसके बाद मलिक और उसके साथी विजय पुजारी की तलाशी भी ली गई थी। 2015 में DRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट का खुलासा किया था जिसमें लाल चंदन जैसी दुर्लभ और कीमती लकड़ियों का गुड्स कंटेनरों में इंपोर्ट करके देश के बाहर तस्करी की जा रही थी। मुंबई की एक शिपिंग कंपनी के जरिए 7,800 मीट्रिक टन से भी ज्यादा के लाल चंदन की तस्करी मिडल ईस्ट कंट्रीज में की जा रही थी। कंटेनरों को DRI टीम ने नवाशवा इंपोर्ट टर्मिनल पर रोका और आगे की जांच के बाद वो मलिक, हेगड़े और पुजारी तक पहुंचे। कहा जाता है कि लाल चंदन की तस्करी में बादशाह मलिक एक बहुत बड़ा नाम है। वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर लाल चंदन को सागौन की लकड़ी बताकर गलत तरीके से बेचा करता था और वो रॉयलसीमा के जंगलों से लकड़ी की तस्करी करता था। साथ ही ईडी को मलिक के घर से एक डमी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसे कंपनी के नाम पर वो एक नॉर्मल बिजनेस करता था और उसकी आड़ में लाल चंदन की तस्करी का काला धंधा करता था। फिलहाल तो बादशाह मलिक ईडी के कब्जे में है और उसे बहुत जल्द PMLL कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले एजेंसी उसकी कस्टोडियल रिमांड चाहती है ताकि वो इस मामले की तह तक पहुंच सके। ये केस तो बहुत जल्द क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसकी कहानी से मिलती जुलती ही पुष्पा 2 की कहानी हो सकती है। दोस्तों, एक आदमी अपने घर के खुले हुए गेट से झांक रहा था ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई जासूस तो नहीं है। क्या एक पेड़ की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है? और वो मन ही मन खुद से ही फुसफुसाया क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए कहीं कोई नहीं था। बाहर लोग गंदगी वाली गलियों में घूम रहे थे और दोपहर की हवा उबलते चावल की स्मेल से भरी थी।
दोस्तों देवरा कोंडा आंध्र प्रदेश का गांव पहले बाकी और गांव की तरह लग रहा था, लेकिन इसके रूरल एरियाज के अनहोनी काम ही ऐसे थे जब से राज्य पुलिस ने 7 अप्रैल को 20 लाल चंदन स्मगलर्स को उसके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शुरू होने वाले घने जंगल में मार दिया था। तब से देवरा कोंडा में साइलेंस और डर का माहौल छा गया था। दोस्तों गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अब उनके पालतू जानवर जैसे गाय भैंसों को वापस लाने और बोरवेल यानी गहरा कुआं जिसे जमीन में ड्रिल किया गया है उसको चालू करने के लिए रात में बाहर निकलने से डर लगता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि कब पुलिस आएगी और उन्हें स्मगलिंग के लिए उठाकर ले जाएगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की स्मगलिंग हाल ही में नेशनल हेडलाइंस में नजर आई है, लेकिन सालों से देवरा कोंडा और शेषांचलम जंगल के आसपास के दर्जनों बाकी के गांव जो दुनिया से लाल चंदन के प्राइमरी सोर्स हैं, चीन और जापान के वेल्दी खरीददारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, बेहद प्रॉफिटेबल ट्रेड से कनेक्टेड थे। चीन और जापान वो देश हैं जो पेड़ के गहरे रंग की महत्व को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इस लाल चंदन की लकड़ी के पैसे को इलेक्शंस में यूज किया गया, ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए किया गया और हजारों लोकल लोगों को लकड़हारे या लो लेवल मिडिलमैन के रूप में भर्ती किया गया। लेकिन दोस्तों 7 अप्रैल को हुए एनकाउंटर्स को फेक एनकाउंटर बताया गया है जिससे लोगों को डर और भी ज्यादा लग रहा है। दोस्तों अगर गांव वालों से पूछा जाए कि ये स्मगलर्स कौन है तो उनका कहना है कि वो सब लोग स्मगलर्स हैं। वहाँ के 99.9% लोग इस धंधे में शामिल थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और पुलिस सिर्फ किसानों के पीछे जाती है और बड़े लोगों को अकेला छोड़ देती है, तो ये आखिर कैसा जस्टिस है। तो दोस्तों इसी तरह पुष्पा फिल्म जो टोटली लाल चंदन की स्मगलिंग के आगे पीछे घूमती है, हो सकता है कि पुष्पा 2 में हमें एनकाउंटर के बाद लोगों के डर को देखने और महसूस करने का इस दौरान मौका भी मिल जाए। आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 7 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश पुलिस ने भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के शेषचलम जंगल में 20 लकड़हारों जो कि सस्पेक्टेड स्मगलर्स थे उनको गोली मार दी। इस पर रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स के DIG कांता राव ने कहा कि स्मगलर्स ने टीम पर रॉड और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया था और जब पुलिस से पूछा गया कि क्या इतनी जाने इस तरह लिए बिना इस हमले को रोका जा सकता था तो राव ने कहा था कि पुलिस ने उन्हें कई वार्निंग्स दी लेकिन फिर भी उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया और वो लोग 100 से भी ज्यादा थे। ये इंसिडेंट चित्तौड़ के चंद्रगिरी मंडल के शेषचलम फॉरेस्ट एरिया में ईटागुंटू में 2 लोकेशंस पर हुआ था। ईटागुंटू में 9 मजदूरों की मौत हो गई, वानचिंदो वांदा में 11 की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने बताया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बड़ी संख्या में स्मगलर्स जंगल में घूम रहे हैं। रेड सैंडर्स टास्क फोर्स टीमों ने 2 लोकेशंस पर हमला किया। टास्क फोर्स में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और आर्म पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे। कहा जाता है कि चित्तौड़ जिले के एक लाल चंदन स्मगलर ने लगभग 500 कुली को हायर किया था जो उस वक्त उन पेड़ों की कटाई कर रहे थे जब पुलिस ने उन पर गोली चलाई थी। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया NHRC के सामने दिए गए 2 गवाहों के बयान में कहा गया था कि आंध्र के पुलिस कर्मियों द्वारा मारे गए लोगों में से कम 12 लोगों को उन्होंने एक बस से खींचा था और एक कॉन्ट्रोवर्शियल एनकाउंटर होने से कुछ घंटे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहां पुलिस और विटनेस दोनों के बयान एकदम ऑपोजिट निकले। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने अदालत में जो केस डायरी पेश की उससे डिसअपॉइंटेड होते हुए इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने का आदेश दिया और SIT को 60 दिनों में अपनी जांच पूरी करने और अदालत को एक रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर दिया गया। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में ह्यूमन राइट वायोलेशन की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच की मांग की, क्योंकि उनमें से कई लोग तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर जिलों में से थे। हालांकि ये पॉसिबल है कि ये सब लोग किसी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन में इस तरह की बड़ी घटना चिंता पैदा करती है कि क्या आंध्र प्रदेश टास्क फोर्स के ऑफिसर्स ने संयम के साथ काम किया या नहीं। 20 लोगों के एनकाउंटर जो कि पुलिस के किए मर्डर साबित हुए, इस खबर ने तमिलनाडु में खलबली मचा दी।
जैसे कि हम जानते ही हैं पुष्पा फिल्म में भी पुष्पा और पुलिस ऑफिसर की अनबन चल रही होती है, तो हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी हमें इस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड कोई सीन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। एक गैंग जिनके दिमाग में प्लान्स ऑलरेडी रेडी थे, टारगेट सेट था, बस मौके की तलाश थी। एक ने आसपास की जगह तलाश की और कहां से लकड़ी आसानी से चुराई जा सकती है ये सब तय किया। जब लोकेशन और टारगेट फाइनली सेट हो गया, तब 1 अगस्त को उन लोगों ने गोल्फ क्लब की तरफ कदम बढ़ाए। उस दोपहर को बहुत तेज बारिश हो रही थी और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में थे और बारिश इतनी तेज थी कि अंदर बैठे किसी को भी बाहर की कोई आवाज़ आसानी से सुनाई नहीं देने वाली थी। इसी बात का फायदा इन स्मगलर्स ने उठाया। वो गोल्फ क्लब के चारों ओर लगे बैरियर्स को हटाकर अंदर गए और वहीं से पूरा एक लाल चंदन का पेड़ काट कर लिया। 1 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के बीच स्मगलर्स ने उस पेड़ को काटा और फिर उसे उठाकर ले गए। फिर कुछ ही दिनों में इसी गैंग ने सीवी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला बोल दिया। लेजेंडरी चंदन स्मगलर वीरप्पन को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े पैमाने पर चंदन की स्मगलिंग को खत्म करना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। चंदन के एक्सपोर्ट पर बैन और स्मगलिंग को रोकने के लिए बाकी रोक लगने के बाद इन लोगों ने अपनी स्मगलिंग स्ट्रैटेजी बदल ली और एक्सपोर्ट करने के पैंतरे और अपग्रेड कर लिए, जिसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। पुलिस ने शुरू में 4 लोगों गोविंदा, मधु, वेंकटेश और रामचंद्र को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने गोल्फ क्लब से चंदन के पेड़ को काट कर फिर स्मगलिंग की थी। उन्होंने 2 टीमों में ये काम किया था। चंदन के पेड़ों को खोजने का काम रामचंद्र को सौंपा गया था और बाद में बाकी के 3 मौके पर पहुंचे और आधी रात तक वहीं रहे। पुलिस रामचंद्रप्पा और वरद राजू को गिरफ्तार करने में कामयाब रही और उनके पास 110 किलो चंदन की लकड़ी भी जब्त की गई। पुलिस को पता चला कि चंदन की लकड़ी को आगे आंध्र प्रदेश के मदकसीरा के पास एक फ्रेग्रेंस फैक्ट्री को बेच दिया था। पुलिस ने फैक्ट्री प्रमाइस में छापा मारा और 620 किलो चंदन और 147 किलो चंदन का तेल और एक वेइंग मशीन जब्त की और इसके साथ साथ फैक्ट्री का इंचार्ज नान जयगोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि शहर में दर्ज चंदन की चोरी के 10 मामलों को स्मगलर्स के अरेस्ट के साथ सुलझा लिया गया है। गैंग ने हाई ग्राउंड्स, सदाशिव नगर, मडीवाला, जयनगर, के आर पुरम फॉरेस्ट एरिया, अनेकल फॉरेस्ट एरिया, तुरहल्ली और ज्ञान भारती से चंदन की लकड़ी चुराई थी। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। बाकी के फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों तो पुष्पा 2 में भी हमें ऐसे ही चंदन की लकड़ी की चोरी के इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आपको कैसी लगी ये फैक्चुअल कहानी? अपने अपने घर के खुले हुए गेट से झांक रहा था ये देखने के लिए कि कहीं आसपास कोई जासूस तो नहीं है, कि एक पेड़ की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है। और वो मन ही मन खुद से ही फुसफुसाया क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए कोई नहीं था। बाहर लोग गंदगी वाली गलियों में घूम रहे थे और दोपहर की हवा उबलते चावल की तरह स्मेल से भरी थी। देवरकोंडा आंध्र प्रदेश का गांव पहले बाकी और गांव की तरह लग रहा था, लेकिन इसके रूरल एरियाज के अनहोनी कम ही नहीं होती थी। लेकिन जब से राज्य पुलिस ने 7 अप्रैल को 20 लाल चंदन स्मगलर्स को उनके घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शुरू होने वाले घने जंगल में मार दिया था, तब से देवरकोंडा में साइलेंस और डर का माहौल छा गया था। आंध्र प्रदेश से लाल चंदन की स्मगलिंग हाल ही में नेशनल हेडलाइंस में नजर आई है, लेकिन सालों से देवरकोंडा और शेष चलम जंगल के आसपास के दर्जनों बाकी के गांव जो दुनिया में लाल चंदन के प्राइमरी सोर्स हैं, चीन और जापान के वेल्दी खरीदारों द्वारा चलाए जा रहे बेहद प्रॉफिटेबल ट्रेड से कनेक्टेड थे। चीन और जापान वो देश हैं जो पेड़ के गहरे रंग को महत्व देते हैं और इस लाल चंदन की लकड़ी के पैसे को इलेक्शंस में यूज किया गया, ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए किया गया और हजारों लोकल लोगों को लकड़हारे या लो लेवल मिडिलमैन के रूप में भर्ती कराया गया। लेकिन 7 अप्रैल को हुए एनकाउंटर्स को फेक एनकाउंटर बताया गया, जिससे लोगों का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। और अगर गांव वालों से पूछा जाए कि स्मगलर्स कौन हैं, तो उनका कहना है कि वो सब लोग स्मगलर्स हैं। फॉर्मर फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि अब एंटी वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग ग्रुप के हेड हैं,
उनका कहना है कि स्मगलिंग को चलते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन 2005 के बाद से इनका स्मगलिंग पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अभी थोड़ा डर्टी और कई बार काफी वायलेंट हो गए हैं और इनमें से कुछ बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होने लगे। जहां चंदन स्मगलर वीरप्पन ने जंगल के अंदर से अपने साम्राज्य पर शासन किया, लाल चंदन के स्मगलर ने अब ज्यादा फ्रेंचाइज अप्रोच को अपनाया है, जिसमें सबसे नीचे लकड़हारे होते हैं, उसके बाद लोकल मिडलमैन होते हैं जो जंगल से कटाई और ट्रांसपोर्ट की देखरेख करते हैं, और फिर बड़े लोग जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजते हैं। एक इंटरनेशनल स्मगलर के ऑर्डर के बाद एक लोकल मिडलमैन लकड़हारों की एक टीम को जंगल से भेजता है ताकि जितनी लकड़ियां चाहिए वो वक्त पर लाई जा सके। दोस्तों, पुष्पा फर्म जो टोटली लाल चंदन की स्मगलिंग के पीछे घूमती है, हो सकता है पुष्पा टू में भी हमें एनकाउंटर के बाद लोगों के डर को देखने और महसूस करने का मौका मिले। पायल जिम्बादा गार्सिया, जिसका जन्म अलामो नाम की कम्युनिटी जो मैक्सिको के कुलियाकान के कैपिटल सिनालुआ में 1948 में हुआ था, जो पहले से ही एक एम्बिशियस क्रिमिनल था, जो पहले तो एक फार्मर था लेकिन फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में ही इसने ड्रग डील करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब माइगुअल एंजल फेलिक्स गिलार्डो, जिन्हें एल पेड्रिनो या ड्रग्स का गॉडफादर भी कहा जाता है, वो पकड़ा गया तो सब कुछ बदल गया। ये लॉ के लिए तो एक बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन गॉडफादर के पकड़े जाने के बाद उसके पीछे छोटे मोटे सारे ड्रग कार्टल्स के बीच वॉर स्टार्ट हो गई थी। कुछ कार्टल्स का नामो निशान मिटा तो कई बड़े हुए, जिनमें से एक था सिनालो कार्टल, जिसे स्माइल जिम्बादा गार्सिया या एल मायो या एल कापो ने स्टैब्लिश किया था। वो 90s का सबसे पावरफुल ड्रग कार्टल बन गया था और इसने मारिजुआना, कोकेन, हीरोइन जैसे कई सारे ड्रग्स को यूएस तक इलीगल तरीके से पहुंचाना शुरू कर दिया था। और फिनिक्स, लॉस एंजलिस, डेनवर, अटलांटा और शिकागो जैसे सिटीज में वो फैल गया था। उसने ड्रग्स को यूएस पहुंचाने के लिए ट्रक्स, सबमरीन्स और एरियल ट्रांसपोर्टेशन और टनल सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया था। बता दें कि सिनालुआ कार्टल ने काफी अच्छे तरीके से अंडरवर्ल्ड में अपनी पॉश स्टैब्लिश करना शुरू किया और खास करके स्मेल की स्किल्स की वजह से उसने कई सारे अलायंसेस भी बना लिए थे और ग्वाडालाजारा कार्टल के मेंबर से भी उसने दोस्ती कर ली थी। दोनों ही कार्टल से एक जैसे थे, रुथलेस, ब्रूटल और केयरलेस। स्माइल की वाइफ ने कहा था कि 1992 से लेकर 2000 तक काफी सेंसलेस वॉर्स हुई, जिसमें कई सारी फैमिलीज ने अपने आप को खोया और इसी समय स्माइल जिम्बादा एक रुथलेस ड्रग माफिया बना। और यूएस अथॉरिटीज का कहना था कि लेट 90s के दौरान वो इतना ज्यादा स्ट्रांग ड्रग लीडर बन गया था कि वो मल्टी टन क्वांटिटीज में कोकेन और मारिजुआना का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता था। और जब वो FBI के निशाने पर आया तब वो 2003 में गायब हो गया। और ताजुब की बात यह है दोस्तों कि वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया है, जबकि उसका साथी एल कापो अरेस्ट हो चुका है। और US गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अनाउंसमेंट की गई थी कि जो स्माइल जिम्बादा की इन्फॉर्मेशन देगा उसे $5 million का रिवॉर्ड दिया जाएगा। और आज कहा जाता है कि सिनालो कार्टल दिन भर दिन स्ट्रांग बनता जा रहा है और उसकी वर्थ $20 billion से भी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं स्माइल आज भी इस पर राज कर रहा है, जिसे मैक्सिकन गवर्नमेंट ने हिटमैन का नाम दिया है। ये एक लार्जर देन लाइफ ड्रग लॉर्ड की कहानी है, जिसकी कहानी से इंस्पायर होकर पुष्पा पार्ट 2 भी बनाई जा सकती है, जिसमें पुष्पा के किरदार को भी इसी तरह से लार्जर देन लाइफ बनाया जाएगा। तो क्या आपको इस मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के बारे में पता था? दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हॉलीवुड फॉरेस्ट में हुआ मर्डर। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जंगल में रहने वाले लोग 25,000 रूपए या हर पेड़ के लिए एक मोबाइल फोन के लिए स्मगलर्स की मदद करते हैं, बिना ये रियलाइज किए कि बॉर्डर पार करने के बाद यही पेड़ लाखों रुपए में बिकते हैं। लकड़ी को तमिलनाडु की सीक्रेट फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां उन्हें उनकी इंटरनेशनल जर्नी के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है। पलापेटी के पास एक पहाड़ी पर स्मगलिंग की लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है। ये मरियूर से पलापेटी तक एक हार्ड रास्ता है। वनंथुरा चंदन रिजर्व तक एक गाड़ी के चलाने लायक सड़क है। पलापेटी 5 किलोमीटर दूर गहरे जंगल में बसा है। मरियूर में स्मगलिंग के अलावा और भी क्राइम होते हैं। हाल ही में कस्बे में एक मास्कलेस आदमी को चैलेंज करने पर एक पुलिसकर्मी पर हमला किया गया था। मरियूर में अक्सर पोरस ऑफिसर की बुराई होती है। ऑफिसर जीजू कुरियन और उनकी पेट्रोल टीम पर हमला किया गया था, जब उन्होंने 2002 में शिकारियों के एक समूह को एक पेड़ काटने से रोकने की कोशिश की। उसी दिन उन पर हमला किया गया था जब वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर लौट रहे थे, और हमले की वजह से ड्यूटी पर लौटने से पहले उन ऑफिसर्स ने इलाज में महीनों बिताए। और बस यही नहीं, जब्त की गई चंदन की लकड़ी को दोबारा हासिल करने के लिए स्मगलर्स ने फॉरेस्ट स्टेशन पर भी अटैक किए। मरियूर के चंदन के जंगल में खून की गंध महक रही है। छल कपट, बेट्रायल और वॉयलेंस के जाल में बसा एक स्टैंडर्ड फॉरेस्ट।
प्रोटेक्टेड चंदन के पेड़ों को काटने के लिए मणिकंदन को जुलाई की शुरुआत में फॉरेस्ट गार्ड्स ने गिरफ्तार किया। जेल के रास्ते में मणिकंदन को इन्फॉर्मेंट्स को मौत की वार्निंग देते हुए सुना गया और जैसे ही उसे छोड़ा गया, मणिकंदन और गैंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए टेम्परेरी वॉचमैन के रूप में काम करने वाले अपने पड़ोसियों को बदला लेने के लिए उनकी कॉलोनी में चले गए। तीनों ने उन लोगों में वॉचमैन की तलाश की जो जंगली जानवरों को बचाने के लिए अपने खेत में रात को पहरे दे रहा था। नशे में धुत अटैकर्स अपने टारगेट को न मिलने पर इतने गुस्से में आए कि वो जल्द ही उन औरतों की ओर मुड़ गए जो फार्म में रात गुजार रही थी। कलियप्पन ने चंद्रिका की गर्दन पर बंदूक तान दी और इसके बाद उसने उसे गोली मार दी। उसने भागने की कोशिश की लेकिन और लोगों ने उसे वहीं दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे एक पेड़ से बांध दिया। बाद में मणिकंदन और माधवन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मणिकंदन के घर से 3 हाथी दांत भी बरामद किए। उसके पिता कुप्पन भी कई मामलों में आरोपी है। दोनों पर शेखर एक साथी जो बाद में फॉरेस्ट वॉचर निकला उस पर हमला करने का आरोप भी है क्योंकि उन्हें लगा कि शेखर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो चंदन की खुशबू में कैसे खून की गंध मिक्स होती है, ये कहानी हमें पुष्पा 2 में भी देखने को मिल सकती है। मयूर टाउन की सैंडलवुड स्मगलिंग की कहानी की ये शुरुआत है और इससे आगे की कहानी सुनने को मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सैंडलवुड ऑयल फैक्ट्रीज हुई बंद। हेलो दोस्तों, मैं नितिन दहिया आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। चंदन की कीमतों में लगातार इंक्रीमेंट का एक क्लियर रीजन ये था कि कन्नौज ने यूएसपी ट्रेडिशनल इत्र इंडस्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया था। 1970s एक पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में बेचे जाने वाले टॉप क्वालिटी के सैंडलवुड तेल से बने इत्र से बेकार क्वालिटी वाले तेल के ये धूप और फ्लेवरिंग पान मसाला बनाने में चला गया। जब तेल की कीमतें बढ़ी तो पर्सनल फ्रेग्रेंस के लिए बना इत्र और महंगा हो गया था। पहले से ही मॉडर्न परफ्यूम की और सबका प्रेफरेंस बदल रहा था। 1980 के शुरुआत तक परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बदल गए जो पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्रीज में आ रहे थे, लेकिन इत्र मैन्युफैक्चर को पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री की प्राइस के हिसाब से चलना था। इसीलिए उन्होंने सैंडलवुड ऑयल की जगह लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सैनी कहते हैं एक गुटखा का पैकेट का प्राइस शुरू से लेके अब तक इतना कम क्यों है। इत्र मैन्युफैक्चर के चंदन के तेल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ रास्ता खोजना पड़ा। आज कन्नौज में मैन्युफैक्चर्ड सारे इत्र का 90-95% पान मसाला और तंबाकू फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है और सभी इत्रों में से लगभग 10-15% मेनली चंदन के तेल का यूज करते हैं क्योंकि इत्र के मुख्य कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स के रिटेल प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं चाहते हैं। पर्सनल फ्रेग्रेंस के रूप में प्रोडक्ट 5% इत्र में से लगभग सभी को सऊदी अरब जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इत्र पर प्रदीप कपूर का कहना है कि अब ये कहना गलत नहीं हो सकता कि एक पूरी जनरेशन को ये नहीं पता कि असली चंदन के तेल से बने इत्र का असल में कैसा स्मेल होता है। प्रदीप कपूर भी उसी परिवार से रिलेटेड है जिसने कन्नौज में पहला डिस्टिलेशन और परफ्यूम फैक्ट्री शुरू की थी। उनकी फैमिली फर्म जगत अरोमा चंदन के डिस्टिल्ड बिजनेस से बाहर चली गई और अब लैनकॉम, टॉम फोर्ड और जी ऐसे 4 परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ्रेग्रेंस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करती है। जब तक ऑस्ट्रेलिया सैंडलवुड एक्सपोर्ट बाजार में एक बड़ा प्लेयर था। हालांकि इससे ऑस्ट्रेलियाई सरकार को दुनिया में सबसे वैल्यूएबल लकड़ी की पुनर्जन्म और सस्टेनेबिलिटी एंश्योर करने के लिए 1929 में सैंडलवुड एक्ट बनाने और लागू करने से ही रोक पाया और उस एक्ट में लिखा गया कि सैंडलवुड का 1% ही हर साल हार्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा और हर पेड़ की कटाई के लिए 1 दर्जन के बीज को उगाया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट वैरायटीज के लगभग 20,000 हेक्टेयर के सैंडलवुड के पेड़ उगाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर बागान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कमीशन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टेट ऑन वाले सैंडलवुड रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वो दुनिया में चंदन के रिसोर्सेज का सबसे बड़ा सप्लायर होने का दावा करता है। ये उम्मीद की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया अगले 3-7 सालों में भारत में इंडियन वैरायटी के सैंडलवुड तेल का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। प्रदीप कपूर ने ये कहा कि वास्तव में एक शर्म की बात है कि हम एक ऐसे एरिया को बर्बाद करने में कामयाब रहे हैं जहां हमने डोमिनेंस का आनंद लिया था। तो सैंडलवुड की स्मगलिंग ने इसके ऑयल बनाने के बिजनेस में भी खलल डाल दी थी। इसी तरह हो सकता है कि पुष्पा 2 में भी हमें एक बार सिर्फ सैंडलवुड स्मगलिंग नहीं बल्कि इसके और भी यूजेस और बिजनेस देखने को मिले। क्या आप
पुष्पा टू से बाहर हुए फहाद फाजिल क्या नहीं करेंगे अल्लू अर्जुन के साथ काम। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़ी हर एक अपडेट सबको दीवाना बना रही है। वैसे अल्लू अर्जुन और रश्मिका के फैंस तो उनकी हर एक अपडेट के लिए तैयार रहते ही हैं, पर अभी की जो अपडेट है ना वो फिल्म के विलेन के बारे में है। पुष्पा द राइज फिल्म के एंटागनिस्ट यानी SP भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाया था एक्टर फहाद फासिल ने। इनसे जुड़ी ये खबर है दोस्तों कि वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते। तो क्या ये सच है? तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दरअसल पुष्पा 2 फिल्म के लिए काफी डिले हो रहा है और फहाद ने भी कुछ मलयालम प्रोजेक्ट साइन कर लिए हैं, इसीलिए वो इस फिल्म से बाहर होना चाहते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला क्योंकि मेकर्स ने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया है, बल्कि कमिटमेंट के मुताबिक उन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी उनके जो कुछ भी मलयालम प्रोजेक्ट है ना उसे उन्हें होल्ड पर रखना पड़ेगा। फहाद के प्रोजेक्ट्स में शामिल है सुधीर शंकर की फिल्म हनुमान गियर, अल्ताफ सलीम की फिल्म रोम कॉम ओडुम कुथीरा चाडुम कुथीरा और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, वैसे हनुमान गियर फिल्म की शूटिंग पुष्पा 2 की शूटिंग के बाद ही शुरू होगी, यानी कि फहाद की अब मार्च से अप्रैल 2023 के दौरान या उसके बाद ही मलयालम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जब तक वो पुष्पा 2 की शूटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं करते। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका ये एंटागनिस्ट पुष्पा को सताने के लिए ना जरूर आने वाला है, तो फिकर नॉट। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें जाते जाते जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जाते जाते ना इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूथलेस और स्टाइलिश इटालियन माफिया। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। माटेओ मेसिना देनारो, जिसे डायबॉलिक के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डेविल, ये एक ऐसा इंसान जो कि किसी को भी मार सकता है और वो किसी को भी कानून को नहीं मानता था क्योंकि उसका अपना ही एक अलग कानून था जो ये था कि दुनिया पर राज करो और उसके आगे जो आए उसे हमेशा के लिए चुप कर दो। नवंबर 1998 में उसके पिता की मौत के बाद माटेओ कास्टेलवेट्रानो और उसके आसपास के सभी एरियाज का लीडर मेंडा मेंटो बन गया, जबकि विंसेजो वर्गा ने ट्रेपानी क्लैन और उसके आसपास के एरिया पर शासन किया। 2001 में विरगा की गिरफ्तारी के बाद मेसिना डेनारो ने ट्रेपानी क्लैन को संभाला और वहां का नया माफिया लीडर बन गया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 लोगों की कमान संभालता था और ट्रेपानी में 20 माफिया परिवारों को एक कमीशन था जो कोसा नेस्ट्रा के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता था। ट्रेपानी माफिया को कोसा नेस्ट्रा का जोकोलो ड्यूरो माना जाता है, यानी एक ऐसा अहम शहर जो दो क्लैंस के बीचों बीच होता है और वहां पर मेसिना डेनारो और उसके परिवार का राज था। मेसिना डेनारो को एक एक्सटेंसिव एक्सटोर्शन रैकेट से अपना पैसा मिलता है जिसमें से वो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पब्लिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देने के लिए मजबूर करता था और जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें वो मारकर उनकी जमीन पर अपना नाम कर लेता था। मेसिना डेनारो का मानना है कि उन सभी लोगों और परिवारों को अपने पास रखना चाहिए जो उसे अपना मकसद पूरा करने के रास्ते में साथ दें, लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि वक्त आने पर उसे सबको अपनी जगह भी दिखानी चाहिए अगर कोई ज्यादा होशियार बनता दिखाई दे। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार 1994 और 1996 के बीच मेसिना डेनारो अपनी लवर मारिया मेसी के साथ एस्प्रा और बघेरिया के बीच एक जगह छुपा हुआ था और वो माटेओ क्राकोलिसी के झूठे नाम के साथ ग्रीस में छुट्टियां मनाने गया था। 1995 में मेसिना डेनारो, जिसकी तब तक फ्रांसिस्का अलगना के साथ पिछले रिश्ते में एक बेटी भी थी जो अपनी माँ के साथ रहने चली गई, इन्वेस्टिगेटर्स को मिले एक लेटर में मेसिना डेनारो ने खुलासा किया कि वो इस छोटी बेटी से कभी नहीं मिले थे। उसके बाद साल 2000 में मारिया मेसी को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि पुलिस को कुछ ऐसे लव लेटर्स मिले थे जो मेसिना डेनारो से ताल्लुक रखते थे। अगले साल यानी 2001 में उसे अपने भाई फ्रांसिस्को के साथ मदद करने और उकसाने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में जुलाई 2006 में इन्वेस्टिगेटर्स को फिलिपो
गुट्टा डोरो। इसके घर पर मारिया मेसी को और भी लव लेटर्स मिले जिसमें मेसिना डेनारो का नाम शामिल था, जिसके बाद मेसिना डोनारो को 1993 में हुए बम अटैकर्स में हिस्सेदारी की वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो जेल से भाग निकले थे और उसके बाद उन्होंने अपनी माफिया फैमिली की मदद से छुपने का इंतजाम किया और वो अपनी फैमिली क्लैन में आज तक छुपे हुए बैठे हैं। और ऐसे ही एक माफिया और स्मगलर की स्टोरी से इंस्पायर होना वाकई है। कैसे होगा पुष्पा का एनकाउंटर? कौन मारेगा पुष्पा को? किन और चीजों की स्मगलिंग करेगा पुष्पा? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा जो स्मगलिंग पर आधारित मूवी थी, इसमें कहा जा रहा था कि ये एक बड़े स्मगलर वीरप्पन की कहानी से मिलती हुई है। तो आज हम वीरप्पन की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि वीरप्पन के पिता गोपीनाथम एक चरवाहे थे। बचपन में वीरप्पन को मोलाकई के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि 18 साल की उम्र में वीरप्पन अवैध शिकार करने वाले गिरोह से जुड़ गया था। इसके बाद उसने अपने विरोधी गिरोह को मारकर जंगल पर एक छात्र राज करने लगा। जैसे हमने पुष्पा में पुष्पराज का राज देखा था, वीरप्पन की जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार उसने अपने जीवन में 200 से अधिक हाथियों का शिकार किया था। वीरप्पन के गिरोह में 40 लोग थे। वो पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या में कोई हिचक नहीं करता था। उसका मानना था कि उसकी बहन मरी और भाई अर्जुन की हत्या के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। जैसा कि अब हमें पुष्पा 2 में देखने मिलेगा, जहां श्रीवल्ली की मौत का जिम्मेदार पुलिस होती है और जिससे ना पुष्पा और भी फायर हो गया है। पुष्पा से पहले भी वीरप्पन की जिंदगी पर 2016 में राम गोपाल वर्मा द्वारा चंदर तस्कर वीरप्पन पर फिल्म बनाई गई थी। नाम था वीरप्पन। इसमें वीरप्पन का किरदार संदीप भारद्वाज ने निभाया था। इस फिल्म में वीरप्पन के चंदर तस्कर बनने की कहानी बताई गई है। ये तो हुई फिल्मी बात, लेकिन वीरप्पन रियल लाइफ में इतना खूनखार था कि जिस जंगल में वो रहता था ना, पुलिस तक वहां पर घुसने से डरती थी। जैसे अगर हम पुष्पा की बात करें, तो जब तक पुष्पा जंगल में रहता था, पुलिस भी वहां भटकती नहीं थी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के मुल्लाकाडू में हुआ था। उसे 18 अक्टूबर 2005 को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। तो क्या पुष्पा राज का भी यही हाल होने वाला है? तो बता दे कि कहानी बेशक वीरप्पन की हो या उससे इंस्पायर्ड हो, मगर इसमें ना फिक्शनल पार्ट जोड़ा गया है। वीरप्पन चाहे एक विलन हो, लेकिन पुष्पा राज हीरो है और उसे हीरो की तरह ही फिल्म में दिखाया गया है और लोग भी उसे हीरो ही मानते हैं। वीरप्पन का पूरा नाम कुछ मुनिस्वामी वीरप्पन था। ये चंदन की तस्करी के अलावा हाथी के दांतों की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, किडनैपिंग और हत्याओं में भी शामिल था। कहते हैं कि इसे पकड़ने के लिए ना सरकार ने हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी 20 साल में करीब 40 करोड़ रुपए। ऐसे ही पुष्पा भी पुष्पा 2 में ऐसी कई स्मगलिंग को अंजाम देगा। स्मगलिंग बस लाल चंदन तक सीमित नहीं रहेगी, अब आगे पुष्पा हर्बल जड़ी बूटी के साथ साथ चाय की पत्तियों की भी स्मगलिंग करेगा ताकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके। साथ ही कहते हैं वीरप्पन की छवि अपने गांव में एक रॉबिनहुड की तरह थी। गांव वाले ही उसे पुलिस की मुखबिरी देते थे। 1986 में वीरप्पन पकड़ा गया था, लेकिन वो भागने में सफल रहा। ऐसे ही पुष्पा 2 में भी पुष्पा पकड़ा तो जाएगा, लेकिन उसके ही गांव वाले उसे भगा देंगे, क्योंकि पुष्पा गांव वालों को खाना पीना और पैसा देगा, पूरे गांव का विकास भी करवाएगा, जिससे पुष्पा सब गांव वालों के लिए एक भगवान होता है। ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी केजीएफ 2 से मिलती हुई लग रही होगी, तो कहानी तो शुरू से ही मिल रही थी। वीरप्पन ने 1991 में मृत्युलक्ष्मी से विवाह किया था। इससे 3 बेटियां हुई, युवरानी, प्रभा और एक अन्य, जिसकी उसने गला घोट कर हत्या कर दी थी। कहते हैं कि उस वक्त वीरप्पन के गिरोह में ना करीब 100 सदस्य थे। बच्ची की रोने की आवाज ना जंगल में दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। इसी डर से उसने अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पा की शादी और बच्चे दिखा सकते हैं। वो किसी बच्चे को मारेगा तो नहीं, क्योंकि हमने बताया ना कि ये लोगों के लिए हीरो है और हीरो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में आए। पुष्पा की मौत की कहानी वहां से शुरू होगी जब जून 2001 में सीनियर IPS भंवर सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री फोन कर पुष्पा का एनकाउंटर करने का आदेश देंगे। फिर पुलिस ने पुष्पा के गिरोह पर गोलियां चलाई। सुबह 10:50 पर एनकाउंटर शुरू होगा और 20 मिनट बाद पुष्पा और पक्षियों की आवाजें निकाल लेता है, जिससे वो पुलिस को गुमराह करने में सफल हो जाता था। वो पुलिस वालों को कहता है कि उसने ना अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर करीब 100 बार देखी है।
ऐसे ही पुष्पा राज पुष्पा 2 में अपनी एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया बनाएगा। पुष्पा 2 में पहले से ज्यादा एक्शन और म्यूजिक ऐड किया जाएगा और एनकाउंटर सीन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 2 वीरप्पन के नाम पर हिट होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पुष्पा को आखिर किससे हुआ प्यार, श्रीवल्ली में क्या था खास? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीकास्ट स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। पुष्पा यानी कि गरीबों का रखवाला। भाई साहब, पुष्पा का एक फंडा क्लियर है कि उसे किसी से डरना नहीं है और कोई बुरा काम नहीं करना, और बेहद गरीब होने के बाद भी पुष्पा का ये एक सपना है कि उसे एक दिन सब कुछ हासिल करना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर उसे कुछ इलीगल भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा और वो सब करके दिखाएगा। पुष्पा जहाँ का रहने वाला है वहाँ सबसे ज्यादा रेड टिम्बर का प्रोडक्शन होता है, और गांव का जो भी व्यक्ति बड़ा आदमी बना है वो इसलिए है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं रेड टिम्बर की तस्करी में अपना हाथ लगाया है। पुष्पा वैसे तो अपने सेठ के यहाँ नौकरी करता है जहाँ पर मजदूरी करके उसे दो वक्त की रोटी की पगार मिल जाती है, लेकिन वो देखता था कि कैसे उसका सेठ अपना सारा काम मजदूरों से कम पैसे में करवाता और खुद लाखों का मजा लूट रहा था, और इसलिए पुष्पा ने ठान लिया था कि वो भी ऐसा कुछ करेगा जिससे वो बड़ा आदमी बन पाए, और इसी डिसीजन के साथ वो ये पता करने में लग जाता है कि आखिर किस तरह से रेड टिम्बर के बिजनेस में घुसना है और कैसे इसकी शुरुआत करनी है। पुष्पा बिजनेस के साथ झोल समझता है और इसके साथ वो ये भी समझता है कि कैसे और कहां पुलिस रेड टिम्बर की ट्रैफिकिंग को चेक करती है। पुष्पा ने यहां तक कि सीवेज के भी सारे रस्तों के बारे में रिसर्च कर ली थी और अब वो तैयार है इस खेल को खेलने को। पुष्पा ने इसके साथ ही साथ अपने गांव में गरीबों के लिए स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। पुष्पा का बचपन बड़ा ही दर्दनाक रहा है। वो एक बिन बिहाई माँ का बेटा था। गांव वाले उसे हमेशा गंदा खून कहते थे, और अब इतने सालों बाद पुष्पा का मन में ये बात इस तरह से घर कर चुकी है कि वो अब समाज में अपने जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पुष्पा एक दिन एक खुफिया रास्ते से 5 ट्रक रेड टिम्बर कहीं इलीगली पहुंचा रहा होता है, तभी पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस पुष्पा को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन पुष्पा भी पूरी तरह से चौकन्ना था और उसने फुर्ती दिखाते हुए सारे के सारे टिम्बर नदी में अनलोड करने का फैसला लेता है और पुलिस के साथ उसके भयंकर मुठभेड़ होती है, लेकिन वो ये मुठभेड़ में जीत जाता है और अंत में वो ये सारे टिम्बर उनके मंजिल तक पहुंचा ही देता है। पुष्पा आगे किन खतरों से लड़ते हुए दिखाई देगा ये जानने समझने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। पुष्पा एक अच्छा आदमी है, वो आगे जाकर अपना घर एक अच्छी लड़की के साथ बसाना चाहता है। इसके लिए उसने लड़की पसंद भी कर ली है, नाम है श्रीवल्ली, अपने पिता की इकलौती बेटी जिसने अपने पूरे घर को संभाल रखा है। पुष्पा को श्रीवल्ली की यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। सिंडिकेट का नया रूलर, क्या होगी भंवर सिंह की चाल, क्या बदल जाएगा सिंडिकेट का रूलर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आपने अब तक देखा कि कैसे शेखावत सिंह ने श्री वीनु बाला कृष्णन के साथ हाथ मिलाकर पुष्पा के खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश की। अब आगे सभी और एमपी सिदप्पा नायडू के इलेक्शन और पोस्टर की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। सिदप्पा नायडू ने सिंडिकेट के सभी मेंबर्स की मीटिंग रखी जिसमें सभी नायडू से मानो मुंह फुलाए बैठे हैं। तभी पुष्पा की एंट्री होती है। पुष्पा की एंट्री लेते ही नायडू खुश हो जाता है। पुष्पा भी नायडू को इलेक्शन को अभी से ही जीतने की बधाई देने लगता है, पर सिंडिकेट के बाकी सभी मेंबर्स मानो जल ढूंढ रहे हैं। सिदप्पा नायडू बताता है कि अभी एक महीने तक उन्हें अपने लाल चंदन का धंधा बंद रखना होगा क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है, जिस पर सिंडिकेट के कुछ मेंबर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्शन के लिए हम अपना धंधा क्यों बंद करें, इसी सिंडिकेट के पैसों से तुम MLA खरीदते हो। जिस पर पुष्पा कहता है, तुम लोग ये बड़ी बड़ी बात करते हो पर बिना सिदप्पा नायडू के हमारा ये सिंडिकेट भी नहीं चल सकता।
सिद्धप्पा नायडू एमएलए खरीदता है और पावर में ही तभी हमारी चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर पाती हैं, पुलिस की रेड से बच जाती हैं और तुम सब ऐसा बेवकूफों की माफिक बात कर रहे हो। सिद्धप्पा नायडू बताता है कि इलेक्शन ड्यूटी के टाइम उसे सिंडिकेट और उससे जुड़े कोई भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर सिंडिकेट पकड़ा गया तो वो भी इस समय कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्शन तक वो एमपी नहीं बल्कि एक कैंडिडेट ही कहलाएगा और उसका पूरा ध्यान इलेक्शन पर ही होगा। इसीलिए अच्छा होगा कि एक महीने तक वो सब सिंडिकेट का काम रोक दे। सिंडिकेट के मेंबर्स ये सुनकर गुस्से का घूंट मानो पीकर रह जाते हैं। तभी सिद्धप्पा नायडू का पीए वहां आता है और बताता है कि उनका एक एमएलए उनके ऑपोजिट पार्टी में चला गया है। तभी फोन रिंग होता है और सिद्धप्पा नायडू के पार्टी वाले बताते हैं कि उन्हें 3 और एमएलए उनके ऑपोजिट पार्टी में चले गए हैं। सिद्धप्पा नायडू गुस्से में अपने पीए पर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है, कौन हमारे एमएलए खरीद रहा है? जिस पर पीए सर झुका लेता है और कहता है, सर इस बार श्री वेणु बालकृष्णन अपने ऑपोजिट खड़ा हुआ है और वही ये सब कर रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी पुष्पा से कहता है, तुम अब इस सिंडिकेट के कर्ता धरता हो, याद रहे एक महीने तक सिंडिकेट का कोई भी काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो। ये कहकर सिद्धप्पा नायडू वहाँ से निकल जाता है। पुष्पा कहता है, भाई लोग अब क्या यहाँ से बिरयानी खा के जाने का है क्या? चलो अपनी तशरीफ उठाओ और निकलो यहाँ से। पता है ना, सिद्धप्पा नायडू ने कहा है एक महीने तक सिंडिकेट का सारा काम बंद और अपन भी जा रहा है श्रीवल्ली के साथ एक महीने के हनीमून पर। तब तक अपने को कोई लोचा नहीं मांगता है, क्या समझ में आया ना? कहते हुए वो वहां से निकल जाता है और सिंडिकेट के मेंबर्स बस गुस्से की भरी नजरों से उसे घूर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि शेखावत सिंह ने एक बड़े से गोडाउन को बुक किया है। शेखावत सिंह श्री वेणु बालकृष्णन को फोन करके बताता है कि उसका काम हो चुका है और हमें पता चलता है कि उस बड़े से गोडाउन में लाल चंदन की लकड़ियां रखी गई हैं। पुष्पा श्रीवल्ली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। श्रीवल्ली पूछती है कि क्या पुष्पा शुरू से सिंडिकेट का बॉस बनना चाहता था? पुष्पा बताता है कि पुष्पा जहां भी रहता है बॉस बनकर ही रहता है, चाहे वो सिंडिकेट हो या फिर कोई और चीज, पुष्पा कभी किसी के सामने झुकता नहीं। श्रीवल्ली बताती है कि वो और पुष्पा की माँ को पूजा करने गए थे। वहाँ मंदिर में उन्होंने पूजा के समय पुष्पा के पिता के नाम रखा, तभी वहाँ मुलटी मोहन ने आकर पंडित जी से कहा कि पुष्पा उनका सगा भाई नहीं और नाजायज खून है, इसीलिए वो ये पूजा करके खुद पर पाप न चढ़वाएं। ये सुनकर पुष्पा कहता है, तू मुझे अभी ये बात बता रही है? मैंने और मेरी माँ ने उनके कारण क्या कुछ नहीं झेला और अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें पुष्पा का पावर दिखाना ही पड़ेगा, तो चिंता मत कर, आज के बाद से मुलटी मोहन या उसके घर का कोई भी सदस्य तुझे कुछ सुनाने लायक ही नहीं बचेगा। ये कहकर पुष्पा गुस्से के मारे वहाँ से जाने लगता है, पर श्रीवल्ली उसे रोक लेती है। पुष्पा, मुझे पता है कि मुलटी मोहन ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है और माँ के साथ भी, पर उन्हें नुकसान पहुँचाने से पहले ये भी सोच कि माँ को कैसा लगेगा। क्या माँ इस बात से खुश होंगी? वो भी आखिर तुम्हारा ही खून है। पुष्पा कहता है, ए मेरे को ये ज्ञान मत झेड़, वो सब लातों के भूत हैं और उन्हें वैसे ही समझ आएगा। मेरी माँ ने उनके सामने कितने हाथ जोड़े, कितनी विनती की, पर उन्होंने कभी मेरी माँ की तरफ दया नहीं दिखाई, उल्टा उन्होंने मुझे और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करनी चाही। तू देख अब वो कैसे हमारे सामने नाक रख देंगे। कहते हुए पुष्पा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। क्या पुष्पा छोड़ देगा ये सिंडिकेट? क्या पुष्पा ही है खुफिया एजेंट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हम आपको अपनी पिछली वीडियो में पुष्पा टू से जुड़े कुछ सीक्रेट या उससे जुड़ी कहानी बता रहे थे। आइए जानते हैं आगे। हमने आपको बताया था कि पुष्पा गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। चौंक गए? रुको रुको, इसमें भी मैं लॉजिक दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरकवर ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका टारगेट है लाल चंदन की तस्करी करने वाली गैंग्स को जड़ से खत्म करना। अब वो कैसे होगा? सबसे बेस्ट उनमें से एक बनने का नाटक कर लो। पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, बाद में दोनों गैंग्स के महत्वपूर्ण मेंबर्स को जान से भी मरवा दिया। धीरे धीरे तस्करी की गिनती जीरो हो गई। ये इसीलिए भी काफी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद
इन लोगों से मिलता है, वो भी अचानक से। कोई भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और स्मगलिंग का माल पुलिस की नजरों से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालक तरीके खुद पुलिस से बढ़िया और कौन जानता होगा। फिल्म के शुरुआत में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं, क्लाइमैक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, याद आया कुछ? एक गिटार जो जापान में मिलता है और काफी महंगा आता है, क्योंकि उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भैया। मतलब दूसरे पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में माल मुर्गन को सीधा बेचने जाता है। यहाँ मुर्गन के चेहरे को तो दिखाया गया, लेकिन मुर्गन का बॉस कौन है वो नहीं दिखाया गया। बस एक आदमी छतरी लेकर मुंह छिपाए खड़ा दिखाया जाता है। ये उस सिंडिकेट का बॉस है जिसमें पुष्पा बस एक छोटा सा मेंबर है, और इसी के द्वारा फिल्म का कनेक्शन जापान से जोड़ा जाएगा। पुष्पा की जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, एक पुष्पा की माँ और दूसरी श्रीवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था रेड्डी ब्रदर्स से पंगा लेके। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को सच में फ्लावर से फायर बनना है तो श्रीवल्ली का मरना जरूरी है, और ये होगा भी, जिसके वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी। तो उसके लिए पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। और पुष्पा 2 के बारे में आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। क्या श्रीवल्ली की हो जाएगी मौत पार्ट 2 में? क्या राज खुलेगा शेखावत का? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हमने आपको अभी तक पुष्पा 2 की कहानी में बताया कि पुष्पा के लिए सबसे बड़ा बदला होगा श्रीवल्ली की जान लेना। अब आगे, अब देखो, जब श्रीवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिल उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। बस यहाँ से पैसा पावर गया सब भाड़ में, और पुष्पा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। रेड्डी ब्रदर्स, जिनमें से एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागलपन, फिर श्रीनू और उसकी साइको बेबी। इन लोगों को भी अपने मरे हुए भाई का बदला चाहिए, और एक अपने पॉलिटिशियन सर जो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं, वो दूसरे पार्ट में पुष्पा की जिंदगी के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे, क्योंकि इनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ है। अब इन सब से तो पुष्पा लड़ ही लेता और आसानी से जीत भी जाता, मगर कहानी के इस 6th पॉइंट की एंट्री ना होती जो पुष्पा की जिंदगी को नर्क बना देगा। हरियाणा से ट्रांसफर हुए आईपीएस मिस्टर शेखावत को भूल तो नहीं गया। सिर्फ 15 मिनट में पूरे 2 घंटे की फिल्म को डोमिनेट कर दिया था इन्होंने, लेकिन क्लाइमैक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती से इनका पूरा मजाक बन गया। अब देखो, भंवर सिंह शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर है, ये जरूर दिखाया गया, लेकिन इनको पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स की गिनती कम करना चाहते हैं, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से। लेकिन ये ऐसे हैं क्यों? इनकी बैक स्टोरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इनसे इतना क्यों डरते हैं? उसका सीक्रेट खुलेगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा का एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की भी कोई छुपी हुई कहानी है, जिसकी वजह से पुलिस की वर्दी में गुंडों वाले काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर पुष्पा को गिनना है तो उसके अतीत को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करना होगा। पुष्पा के रिश्तेदार पुष्पा के पार्ट 1 में इनका कैरेक्टर एकदम नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में इनका वर्तमान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो कैसे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद। क्या जीशु हुए मूवी से बाहर? कहाँ हो रही है मूवी की शूटिंग? मेकर्स ने क्यों कहा कि जीशु कभी भी मूवी का हिस्सा नहीं थे? पुष्पा द राइज के निर्माता ने अल्लू अर्जुन स्टारर इस मूवी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए
जीशु यूसेन गुप्ता के पास पहुंचे थे, लेकिन वो तारीख के मुद्दों के कारण मूवी नहीं कर सके। अब इस हफ्ते की शुरुआत में अफवाहें फैलने लगी कि तेज तरार अभिनेता पुष्पा टू में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट ने जीशु के फैंस को भी काफी एक्साइटेड कर दिया था। खैर, अब हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं और ये निश्चित रूप से उन लोगों को निराश करेगा जो पुष्पा टू में लोकप्रिय अभिनेता को देखने के इच्छुक थे। वो बहु प्रतिशत सीक्वल का हिस्सा नहीं है, इस बात की पुष्टि जीशु के करीबी सूत्र ने किया। वे सभी रिपोर्टों में जिनमें दावा किया गया है कि जीशु यू सेन गुप्ता पुष्पा के सीक्वल में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं निराधार है। उन्होंने कहा कि वो पुष्टि कर सकते हैं कि पुष्पा द रूल का हिस्सा वो नहीं है। हालांकि प्रोडक्शन टीम, निर्देशक या अभिनेता की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि जीशु पहले भी पुष्पा 2 में खलनायक भूमिका का हिस्सा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि ये किरदार पहले विजय सेतुपति को दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय दक्षिण अभिनेता को अपनी पिछले प्रोजेक्ट्स के कारण ना कहना पड़ा। तब चर्चा तेज थी कि निर्माताओं ने खलनायक की भूमिका के लिए जीशु से संपर्क किया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और बंगाली अभिनेता पुष्पा द रूल में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जीशु भले ही पुष्पा टू का हिस्सा ना हो, लेकिन वो समांथा रुद्र प्रभु और देव मोहन की पीरियड ड्रामा शकुंतलम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो 4 नवम्बर को रिलीज होने वाली है। इस बीच पुष्पा 2 में अलू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजल अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगी। पहले ऐसी खबरें थी कि मूवी के एक बड़े हिस्से की शूटिंग पश्चिम बंगाल में बंकुरा में की जाएगी। हालांकि निर्माताओं ने कथित तौर पर बाद में शूटिंग का स्थान बदल दिया और शूटिंग स्केड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं आई। पुष्पा द राइज पहली मूवी को 2021 में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और ऐसा क्रेज था कि तेलुगु मूवी को बाद में हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया। एक्शन एंटरटेनर पिछले साल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई और बड़ी सफलता ने अल्लू अर्जुन को रातों रात एक स्टार बना दिया था। तो आप इस अपडेट से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। केशवा दे सकता है पुष्पा को धोखा, क्या पुष्पा हो सकता है एक सीक्रेट एजेंट? जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट का नाम था पुष्पा द राइज। जिसने भी ये फिल्म देखी होगी वो ये जरूर जानता होगा कि ये फिल्म पुष्पा की अर्श से फर्श यानी एक मामूली नौकर से पूरे शहर का मालिक बनने की जर्नी है। फिल्म के सेकेंड पार्ट का टाइटल है पुष्पा द रूल, यानी कि अभी तक पुष्पा ने सिर्फ गद्दी जीती है, उस पर बैठना और राज करना अभी बाकी है। फिल्म का सेकेंड पार्ट पहले ही अनाउंस हो चुका है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी कहानी क्या होगी। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, इसलिए हम आपके लिए 2 पॉइंट्स लेकर आए हैं जो हो सकता है हमें आने वाले सेकेंड पार्ट में देखने को मिले। पहला पॉइंट, हम सब केशवा को तो जानते ही होंगे। जी हाँ, वही जिसने पुष्पा के लिए अपना मालिक बदल दिया था और बाद में धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड और बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था। लेकिन क्या होगा अगर बेस्ट फ्रेंड ही धोखेबाज निकले तो? अगर आप लोगों ने फिल्म ध्यान से देखी होगी तो फिल्म में केशवा की एक उंगली नहीं है, जिसके पीछे एक स्टोरी हो सकती है। अब किसी की उंगली मजाक मजाक में तो कट नहीं सकती, इसलिए हो सकता है कि ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट या फिर किसी और गैंग का भेजा हुआ सीक्रेट एजेंट हो जो पुष्पा को सही टाइम आने पर हमेशा के लिए फिनिश करने की कोशिश करे, पर किसके इशारे पर ये अभी पता नहीं है। बस यही से निकल कर आता है हमारा दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा की स्टोरी लाइन में देखने को मिल सकता है, जिसे हम लोग एक गैंगस्टर और क्रिमिनल समझ रहे हैं। क्या होगा अगर वो कोई पुलिस वाला हो जो अंडरकवर ऑपरेशन के लिए सिंडिकेट से जुड़ा कोई शख्स हो और उसका टारगेट हो सैंडलवुड स्मगलिंग से जुड़े गैंग्स को पूरी तरह से खत्म करने का, और इस काम को करने का सबसे सही तरीका था उनमें से एक बन जाना। पहले श्रीनो और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया और बाद में दोनों गैंग के इम्पोर्टेंट मेंबर्स को मार दिया। ऐसे ही धीरे धीरे स्मगलर्स की गिनती कम हो जाएगी। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलता है, वो भी सडनली। और जिस तरह से स्मगलिंग के माल को एक जगह से दूसरी जगह पुष्पा ने पहुंचाया,
उस तरीके को एक पुलिस वाले से ज्यादा अच्छे से कौन सोच सकता है। क्या विलन बनने के लिए तैयार नहीं है विजय सेतुपति? कब रिलीज होगी पुष्पा 2? हेलो एवरीवन, मैं जैसिका नरोला स्वागत करती हूँ आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो जिसे किसी भी नाम या पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका स्टाइल, लुक ही उनकी शख्सियत है और पहचान भी। और अब आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन से हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। टॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में, जिन्होंने पुष्पा फिल्म में धमाकेदार एक्टिंग और डायलॉग्स का तड़का लगा के सबको अपना दीवाना बना दिया। लेकिन अब ये यहाँ तक रुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, अब बारी हो रही है अब पार्ट टू की। तो तैयार हो जाइए पार्ट टू की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए। जिसने भी पुष्पा फिल्म देखी होगी उसे तो पता ही होगा कि फिल्म में सिर्फ एक ही विलन था जिसे हमारे पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन को लड़ना था। लेकिन पार्ट टू की कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि फिल्म में होंगे दो विलन जिससे हमारे पुष्पा को लड़ना भी होगा और जंग जीतनी भी होगी। खैर ये तो जाहिर सी बात है, पुष्पा फिल्म में सबसे खतरनाक विलन था कौंडा रेड्डी और एक्टर अजय घोष ने कौंडा रेड्डी का किरदार प्ले किया था। काफी इंटेंस परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर दूसरा विलन कौन होगा, तो आपको बता दें कि सुपरस्टार विजय सेतुपति पुष्पा 2 में एंट्री लेने वाले हैं। विजय सेतुपति एक्टर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने ज्यादातर तमिल फिल्मों में काम किया है, इसलिए तो इस बार पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें चुना है ताकि पुष्पा 2 में दो विलन मिलकर पुष्पा को हराने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों विलन तो विलन ही होता है और हीरो को हराना मुमकिन नहीं है। दोस्तों यही नहीं, पर आपको बता दें कि विजय फिल्म में रोल करने के लिए तैयार है पूरी तरह से और विलन का रोल निभाने के लिए वो अपने आप पर काम भी कर रहे हैं, इसलिए लग तो यही रहा है कि पुष्पा 2 पुष्पा से भी ज्यादा धमाकेदार होगी। तो क्या आप तैयार हैं फिल्म देखने के लिए? और वैसे भी पुष्पा के बाद पुष्पा 2 का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, तो सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर कब रिलीज होगी पुष्पा 2, कब होगा सिनेमा घरों में हम जाएंगे, और कब कहानी को देखकर ये पता चलेगा कि आखिर पुष्पा की कहानी के लास्ट में क्या हुआ था। तो दोस्तों इंतजार खत्म होने वाला है, आपको बता दें कि 2023 में पुष्पा हमें देखने को मिल जाएगी। तो अभी तैयार हो जाइए इस फिल्म को देखने के लिए और मजे करने के लिए। वैसे आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको पुष्पा 2 का इंतजार है या नहीं, और कब तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसने की पुष्पा की मां की किडनैपिंग? क्या अपने सफर को पूरा कर पाएगा पुष्पा? क्या शेखावत ने किया पुष्पा को गिरफ्तार? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि कैसे पुष्पा की खुशहाली भरी जिंदगी में उसके दुश्मनों ने दस्तक दी थी, और हमने आपसे ये भी कहा था कि शेखावत के डर से सारे डीलर्स ने पुष्पा से डील करनी छोड़ दी थी। तो आप जानते हैं इसके आगे की कहानी। तो जब सारे डीलर्स ने पुष्पा से डील करनी छोड़ दी, तो पुष्पा ने सीधा रशियन माफिया से कॉन्टैक्ट करने का सोचा और वो सीधा रशिया के मिशन पर निकल पड़ा। पुष्पा पंजाब होते हुए पाकिस्तान पहुंचता है, वहां उसे कुछ डीलर्स मिलते हैं, वो उसे आगे का रास्ता बताते हैं। उसी में से एक डीलर उस्मान उससे कहता है कि रशियन माफियाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक पड़ी कि कुछ गड़बड़ी है तो तुम्हारा वहां से वापस जिंदा आना नामुमकिन है। उसी बात पर पुष्पा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पुष्पा क्या चीज है, मैं ये बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, मैं बचपन से ही खतरों से खेला हूँ, इसलिए मेरे लिए ये बस बाएं हाथ का ही खेल होगा। उधर शेखावत को जैसे ही ये खबर लगती है कि पुष्पा रशिया जा रहा है, वो एक चाल चलने की सोचता है। वो जाकर रेड्डी से और श्रीनू से मिलता है और उससे कहता है कि पुष्पा इंडिया में नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि वो उसके अड्डे पर कब्जा कर ले। और श्रीनू और रेड्डी ऐसा ही करते हैं, पुष्पा के अड्डे पर पहुंचते हैं और वहां पर कब्जा जमा लेते हैं। उसी बीच शेखावत पुष्पा के घर पहुंचता है और उसकी माँ की किडनैपिंग कर लेता है और उसे लाकर छोड़ देता है रेड्डी के पास। अब उसका भाई तो काफी ज्यादा कोशिश करता है उसकी माँ को रोकने का, लेकिन शेखावत पुष्पा के भाई को मार देता है और उसकी माँ को किडनैप करके ले आता है। उसे ये पता है कि पुष्पा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी माँ ही है, इसलिए अगर वो ये बात सुनेगा तो आधे रास्ते से ही वापस आ जाएगा, रशिया नहीं जाएगा।
दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान पुष्पा उज्बेकिस्तान पार करने के बाद यूरोप के रास्ते पहुंचने ही वाला होता है रशिया, लेकिन तभी उसे ये पता चल जाता है कि उसकी माँ की किडनैपिंग हो गई है। फिर वो एक फोन कॉल करता है और डीलर से कहता है कि वो यहाँ पर आकर ये माल ले जाए और आधे रास्ते से ही इंडिया लौट जाता है। इंडिया लौटने के बाद वो सीधा रेड्डी के अड्डे पर पहुंचता है। वहां पर उसकी काफी ज्यादा भिड़ंत होती है रेड्डी, श्रीनु और उनके आदमियों से। वो सबको मार गिराता है और अपनी माँ को बस घर छोड़ने जा ही रहा होता है, उसी बीच शेखावत वहां आ जाता है और उसे लाल चंदन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। अब इस बार पुष्पा कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप गिरफ्तार हो जाता है और जेल चला जाता है। जेल में बंद होने के बाद शेखावत उससे पूछता है, क्यों गिरफ्तार कर लिया ना तुम्हें, अब कौन छुड़ाने आएगा तुम्हें। उसी समय पुलिस स्टेशन का दरवाजा टूटता है और किसी की एंट्री होती है। अब दोस्तों, कौन है ये नया कैरेक्टर जिसकी एंट्री होने वाली है, आखिर किसने तोड़ा है ये दरवाजा, जानने के लिए वेट कीजिए अगली वीडियो का। अगली वीडियो में हम आपको इसका आंसर जरूर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पुष्पा के लिए मेकर्स की क्या थी प्लानिंग। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुष्पा 2 के सीक्वल को लेकर बज बना हुआ है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल के लीड रोल वाले इस फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की अगली कड़ी में बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की एंट्री की खबर से फैंस एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। दावा किया गया है कि मेकर्स ने पुष्पा 2 के लिए एक्टर से संपर्क किया है। दरअसल पुष्पा 2 के मेकर्स ने इसके यूनिवर्स का एक्सपेंशन करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैंडलवुड स्मगलर पुष्पराज की कहानी को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए बॉलीवुड के शानदार कलाकार मनोज वाजपेयी को लेने का फैसला किया है। इस खबर के आते ही मनोज के फैंस खुश हो गए हैं, पर अब एक इंटरव्यू में जब इस बारे में मनोज से जानने की कोशिश की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इंटरव्यू में बात करते हुए मनोज वाजपेयी ने पुष्पा 2 के लिए मिले ऑफर को नकारते हुए इसे गलत खबर बताया है। मनोज का कहना है कि फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच नहीं किया गया है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। अब मनोज के इनकार करने के बाद फैंस के बीच निराशा होनी लाजमी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अल्लू अर्जुन की फिल्म में 6 महीने से अधिक के शेड्यूल में कई एक्शन सीन्स की शूटिंग की जाएगी। शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू होगा और अगले साल मिड तक पुष्पा 2 रिलीज हो सकती है। सीक्वल को पहले से भी ज्यादा ग्रैंड बनाने की तैयारी की जा रही है। शायद ही आपको पता होगा कि इसके लिए अल्लू अर्जुन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के पार्ट 2 के लिए पहले बहुत सी स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए बहुत सारी लोकेशंस को भी चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म में और भी देरी हो सकती है। पर अब मेकर्स का कहना है वो अब इस फिल्म को लेकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पुष्पा का विलन कौन दिखेगी आइटम सॉन्ग में? क्या पुष्पा 2 बनेगी वन ऑफ द मोस्ट हिटेस्ट फिल्म? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, कुछ पल में ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो लोगों की सोच से लेकर सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना देती हैं। बात करें फिल्म के फर्स्ट पार्ट की तो वो है पुष्पा, पुष्पा द राइज। जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी है तो वो समझ गया होगा कि ये सिर्फ पुष्पा की जर्नी दिखाती है। आपको नानी की अपकमिंग फिल्म दासरा का फर्स्ट लुक कैसे अल्लू अर्जुन को दे रहा है टक्कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, साउथ फिल्म स्टार नानी ने आज अपनी फिल्म दासरा का जबरदस्त फर्स्ट लुक रिलीज किया है। इस फिल्म का पहला लुक जारी करते हुए फिल्म स्टार ने अपने किरदार के नाम का भी उजागर किया है। फिल्म स्टार ने ये फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दासरा का धरनी गुस्सा असली है। शेयर किए गए पोस्टर में नानी का लुक काफी रफ एंड टफ दिख रहा है। फर्स्ट लुक पोस्टर में नानी ओपन शर्ट के साथ लुंगी बांधे हुए नजर आ रहे हैं और काफी गुस्से में दिख रहे हैं। साथ ही वो आग का गोला हाथ में पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नानी के इस फर्स्ट लुक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु फिल्म स्टार नानी का ये लुक देखने के बाद फैंस को सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की याद आ गई। कई लोग नानी के इस लुक की तुलना अल्लू अर्जुन की फिल्म
पुष्पा से करने लगे हैं। कुछ इंटरनेट यूजर्स ने नानी के इस लुक को देखने के बाद कमेंट करते हुए लिखा, पुष्पा 2.0। फैंस के ये कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं और काफी रिलेट किया जा रहा है नानी और पुष्पा के इस लुक को। आपको बता दें, नानी और कीर्ति सुरेश स्टारर ये फिल्म दासरा भी गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी कोल माइन की दुनिया के इर्द गिर्द घूमेगी। इस फिल्म के निर्देशक श्रीकांत ओडेला है। फिल्म को श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सिनेमा के बैनर तले बनाया गया है। पुष्पा की तरह ही इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी में है। फिल्म में नानी धासु डायलॉग्स डिलीवरी करते हुए नजर आएंगे और ये एक मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको साउथ के सुपरस्टार नानी और उनकी फिल्में, और कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। नानी अपने आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन के पुष्पा और यश की केजीएफ से की जा रही है। लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की केजीएफ से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से वे रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है, जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। नानी अपने आने वाली फिल्म दशहरा में धरनी के रूप में अपनी भूमिका को लेकर बेहद आश्वस्त है। हालांकि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दशहरा की तुलना अल्लू अर्जुन के पुष्पा और यश की KGF से की जा रही है। लेकिन नानी ने बताया कि कैसे दशहरा अल्लू अर्जुन की पुष्पा और यश की KGF से अलग है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ग्रामीण, देहाती और साथ ही बहुत वास्तविक नाटक है। भावनाएं जीवन से बड़ी महसूस होंगी, इसलिए ये एक महान फिल्म है। आप महसूस करेंगे कि ये सब विश्वसनीय है। इसकी कोयले की खानों का बैकग्राउंड है, संस्कृति परंपराएं जिस तरह से वे रहते हैं, सब कुछ आपको उनका हिस्सा बना देगा और आप चरित्र के लिए जड़ बनाना शुरू कर देंगे। नानी ने आगे कहा, आप कितने भी अलग क्यों ना हो, आपको थिएटर में चिल्लाने का मन करेगा। नानी ने ये भी स्पष्ट किया कि दशहरा का सीक्वल की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, टॉलीवुड के स्टार नानी ने SS राजामौली और अन्य के साथ ईगा 2 की संभावना पर चर्चा की। जैसे कि दशहरा के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नानी द्वारा निभाया गया किरदार धरनी एक शराबी है जो जीने के लिए ट्रेनों से कोयला चुराता है। जब जीवन सुचारू रूप से चलता है तो एक घटना सारी परेशानियां लेकर आती है। वो तब शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जाने का संकल्प करता है, जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है कि कहानी में ट्विस्ट टर्न और बहुत कुछ है। श्रीकांत ओढेला द्वारा निर्देशित दशहरा 30 मार्च को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी। इसी दिन अजय देवगन की भोला भी रिलीज हो रही है। तो आप कौन से फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।